गुड मॉर्निंग एवरीवन होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर पीजीबीपी चार्ट रिवीजन एंड दिस इज द लास्ट पार्ट फॉर पीजीबीपी फर्स्ट पार्ट हमने किया जहां पर हमने सेक्शन 35 और उससे रिलेटेड सेक्शंस डिस्कस किए थे नाउ आई एम स्टार्टिंग विद सेक्शन 361 स्पेसिफिकली 36 भी अगर आपको याद रहता है तो इट्स ओके एंड देयर इज अ लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस कवर्ड ओवर हियर सेक्शन 36 में हम एक लिस्ट पढ़ते हैं uh, मैंने यहाँ पर यह सारी लिस्ट डिस्कस की है तो यू शुड बी एबल टू रिकॉल की कौन कौन से एक्सपेंसिज सेक्शन थर्टी सिक्स में अलाउड होते हैं फर्स्ट एक्सपेंसिज इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक से यू हैव अ बिजनेस ठीक है आपके एक बिजनेस है यू हैव अ फैक्ट्री ऑफ मेकिंग क्लोथ्स और आपकी फैक्ट्री में ऑन एंड ऑफ दो से चार करोड़ का स्टॉक रखा रहता है तो यू वुड लाइक टू गेट इट इंश्योर्ड हम अपने स्टॉक का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो वी हैव टू पे इंश्योरेंस प्रीमियम तो इंश्योरेंस प्रीमियम हम क्यों पे कर रहे हैं बिकॉज दैट इज आर बिजनेस एक्सपेंस हमारा स्टॉक है बिजनेस यूज होता है तो वी वुड लाइक टू गेट इट इंश्योर्ड तो हमने उसके ऊपर अगर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो दैट प्रीमियम इज अलाउड अंडर सेक्शन थर्टी और इनफैक्ट इंश्योरेंस ऑफ लाइफ स्टॉक ठीक है जो लोग कैटल सोसाइटीज हैं उन लोगों के लिए लाइफ स्टॉक का जो उनके पास कैटल्स हैं वो उनका इंश्योरेंस भी करा सकते हैं तो दैट इज ऑल्सो अलाउड अंडर सेक्शन थर्टी सिक्स मैंने इंश्योरेंस सभी इंश्योरेंस एक साथ डिस्कस कर लिए हैं नेक्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस अगर एम्प्लॉयर वो अपने का कराते हम हेल्थ इंश्योरेंस बोले मेडिक्लेम इंश्योरेंस बोले मेडिक्लेम इंश्योरेंस या फिर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बोले इट्स वन एंड द सेम थिंग तो वेवर वी डू द इंश्योरेंस वी पे द इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर आर इंप्लाइज इंक्लूडिंग देयर फैमिली में वो हेल्थ इंश्योरेंस ले लेती है इंप्लॉयज का भी और उनके फैमिली मेंबर्स का भी तो उन लोगों के लिए भी सबके लिए अलाउड होगा तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इज अलाउड बट इसमें एक मेन पॉइंट है याद रखिएगा ये पे होना चाहिए अदर देन कैश अदर देन कैश

आप अपने इंप्लॉइज को सैलरी देते होंगे ठीक है सैलरी क्या बिजनेस एक्सपेंस है ठीक है आपका एक इंप्लॉई है या बहुत सारे इंप्लॉय आप इनको सैलरी देते हैं तो सैलरी इज अ बिजनेस एक्सपेंस कवर्ड है क्या द आंसर इज यस कवर्ड है पर थर्टी सिक्स वन में कवर्ड नहीं है सैलरी सैलरी पे करना हम लोग थर्टी सेवन में देख लेंगे ठीक है थर्टी सिक्स में सैलरी नहीं आता है बट येस अलाउड होता है ठीक है अलाउड होता है बट नॉट इन दिस सेक्शन बट अगर हमने अपने Employees को बोनस पे करते हैं ठीक है उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है या फिर हम एनुअल बोनस पे करते हैं कमीशन पे करते हैं तो बोनस एंड कमीशन इज अलाउड बोनस एंड कमीशन इज अलाउड अंडर दिस सेक्शन देखिए याद रखिएगा सैलरी है थर्टी सेवन में अलाउड बोनस और कमीशन थर्टी सिक्स में ही अलाउड होंगे बट येस बोनस और कमीशन में एक और पॉइंट लगता है कि वो सब्जेक्ट टू फोर्टी थ्री बी होता है फोर्टी थ्री बी मैंने लास्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था आपके साथ और आज तो मुझे अच्छे से डिस्कस भी करना है फोर्टी थ्री बी को याद है आपको 43B, मैंने कहा था कि it's one of the most important section. 43B में कुछ आते आते हैं लग 6 expenses आते हैं लगभग पर which are allowed only on payment basis. अगर वो आपने पे किया है तभी अलाउड होते हैं बिकॉज बाकी के लिए तो आप लोग जानते हैं कि अगर एसएसी अपने अकाउंट मर्केंटाइल सिस्टम पर बनाता है तो उसके एक्सपेंसिस भी हम लोग या इनकम भी हम लोग मर्केंटाइल सिस्टम पर मतलब ड्यू बेसिस पर अलाउ कर देते हैं बट कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय एस एस अपने अकाउंट्स कैसे भी बना रहा हो बट देर आर सर्टन एक्सपेंसेस विच आर कवर्ड अंडर फोर्टी थ्री बी विच आर अलाउड ओनली व्हेन दे आर पेड कब तक पे हो जाना चाहिए या तो प्रीवियस ईयर में पे कर दीजिए या आर की ड्यू डेट तक पे कर दीजिए ठीक है इनफैक्ट आर तक की ड्यू डेट तक बोला गया कि आप अगर अभी तक भी पे कर देंगे आर की ड्यू डेट तक तो अभी हम उसको पेड मानते हुए अलाउ कर देंगे

तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा अभी किस बताइए वो लोन लिया किस पर्पज के लिए बिजनेस के लिए ठीक है उसको बिजनेस में कोई असेट खरीदने थे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे चाहिए तो वेन एवर यू डूर बोरो आप लोन लेते हैं तो दिस इज अलाउड अंडर सेक्शन 36 उसका इंटरेस्ट अलाउड होता है सेक्शन 36 में और याद रखिएगा अच्छा डिबेंचर इंटरेस्ट अलाउड होगा क्या प्लीज बताइए कंपनी के लिए डिबेंचर इंटरेस्ट

एक असेट खरीदने के लिए let's say, एक मशीन खरीदने के लिए आपने लोन लिया है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप एक मशीन मंगवाना चाहते हैं यू इन मुंबई में बिजनेस है एंड यू टू गेट अ न्यू मशीन और आपकी वो नई मशीन आनी है रशिया से ठीक है आपने रशिया से उसको ऑर्डर किया हुआ है मशीन को या जर्मनी ले, ले लेते हैं ठीक है ओके जर्मनी से आपने ऑर्डर किया हुआ मशीन को तो जर्मन वालों ने बोला कि हम आपको सिक्स मंथ्स में ये मशीन डिलीवर कर देंगे आपने थोड़ा सा कस्टमाइज्ड मशीन बनवाई है अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशंस देकर तो वो रेडिली uh, अवेलेबल नहीं थी ठीक है स्टैंडर्ड नहीं है वो थोड़ा सा कस्टमाइज्ड है तो जर्मन सप्लायर ने बोला कि आपको छह महीने के अंदर हम आपको मशीन दे देंगे बट आपको पैसे पेमेंट पहले करना पड़ेगा ठीक है तो यू हैव टू पे द मेक द पेमेंट तो आपने पेमेंट करने के लिए लोन ले लिया ठीक है आप प्लीज बताइए जिस बैंक से लोन लिया ठीक है आपने मुंबई में अपने लोकल बैंक से एसबीआई से फॉर एग्जाम्पल लोन ले लिया तो so, एसबीआई ने जब आपको लोन दिया वो लोग तो अपना इंटरेस्ट शुरू कर देंगे पर प्लीज बताइए क्या मशीन अभी यूज करना शुरू कर दिया है सर अभी तो मशीन भी नहीं आई है ठीक है फॉर एग्जाम्पल मशीन आने में छह महीने लग गय, लग गए जाते हैं एक महीना इंस्टॉलेशन वगैरह में लग जाता है तो सेवन मंथस तक तो आप इंटरेस्ट तो पे कर रहे हैं बट द मशीन हैज नॉट येट बीन इंस्टॉल्ड तो सेवन मंथ्स का इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं माना जाएगा दैट इंटरेस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड तो हम लोग ऐसे इसको समरी में कर देता हूं कि अगर आपने मशीन खरीदने के लिए लोन लिया है तो जब तक वो इंस्टॉल नहीं हुआ है जब तक वो पुट टू यूज नहीं हुआ है तब तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा कैपिटलाइज मतलब वो फिर हमारी मशीन की कॉस्ट में असेट की कॉस्ट में एड होगा और वंस द अट इज इंस्टॉल्ड ठीक है एक बार असेट इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद का इंटरेस्ट उसके बाद का इंटरेस्ट सेक्शन 36 में अलाउड होता है बिकॉज 36 में मेनली हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बातें करते हैं ठीक है याद रहेगा इंपॉर्टेंट बात है बहुत ज्यादा कि आप अगर मशीन अभी असेट पुट टू यूज नहीं हुआ है टिल द अट इज पुट टू यूज प्लीज वो इंटरेस्ट कैपिटलाइज कीजिएगा कैपिटलाइज करने का मतलब आप अपने एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बनाइएगा फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लीजिएगा ठीक है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लीजिएगा बट वंस द असेट इज पुट टू यूज उसके बाद का जो इंटरेस्ट होगा दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो 36 में अलाउड होगा सिमिलरली बिल्कुल इससे मिलता जुलता है कि अगर कोई कंपनी जीरो कूपन बॉन्ड्स इश्यू करती है जीरो कूपन बॉन्ड यू अंडरस्टैंड ठीक है मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज करती है जीरो कूपन बॉन्ड्स जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं वो फेस वैल्यू से काफी कम वैल्यू पर डिस्काउंटेड प्राइस पर इशू किए जाते हैं और फेस वैल्यू पर रिडीम होंगे जीरो क्यों क्या आ गया जीरो कूपन कूपन का मतलब क्या होता है कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट ठीक है दिस इज इंटरेस्ट तो जीरो कूपन बॉन्ड्स मतलब जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड तो ऐसे बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता अब इंटरेस्ट नहीं मिलता तो लोग क्यों खरीदेंगे ऐसे बॉन्ड्स को खरीदते हैं वो लोग उनको इंडायरेक्टली इंटरेस्ट मिल जाता है कैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी भी बॉन्ड की फेस वैल्यू सौ रुपए है तो हम उसको इशू करते हैं काफी ज्यादा हेवी डिस्काउंट पर लेट से ट्वेंटी रुपीज पर इशू किया गया तो इन्वेस्टर हैज हैजे ट्वेंटी रुपीज और जब तक ये बॉन्ड की लाइफ है तब तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा बट आफ्टर दिस बॉन्ड गेट्स मेच्योर्ड तो आपको हंड्रेड रुपीज मिल जाएंगे फेस वैल्यू मिल जाती है तो प्लीज बताइए लोग इन्वेस्ट करते हैं देखिए ट्वेंटी रुपीज इन्वेस्ट किए और कुछ टाइम के बाद कुछ साल के बाद सौ रुपए मिल गए तो एक तरीके से हमें एट्टी रुपीज का इंडायरेक्टली एट्टी रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है बट हम इसको कहते हैं कि आपको ड्यूरिंग दैट लाइफ टाइम आपको कंपनी कुछ नहीं देगी बट लास्ट में आपको रिडीम करके दे देगी अब प्लीज बताइए कंपनी के लिए तो खर्चा है ना बिकॉज दे हैव रिसीव ट्वेंटी रुपीज एंड हैव टू रिडीम हंड्रेड रुपीज ठीक है तो एट्टी रुपीज का खर्चा है तो ये एट्टी रुपीज का एक तरीके से इनडायरेक्टली दिस इज ऑल्सो इंटरेस्ट तो दिस इज अलाउड अंडर सेक्शन थर्टी सिक्स बट कितना अलाउड होगा जितना भी बॉन्ड की लाइफ है उस पर स्प्रेड कर दीजिएगा आप लोग तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी रुपीज का हमने इशू किया रिडीम करेंगे इसको हंड्रेड रुपीज पर फेस वैल्यू पर तो एट्टी रुपीज इज द इंटरेस्ट और लेट से ये दस साल की इसकी लाइफ है दस साल के बाद ये होगा तो इसको डिवाइड कर दीजिएगा इस एट्टी रुपीज का जो एक्सपेंस हो रहा है कंपनी का ये टेन ईयर्स की लाइफ पर आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो एट रुपीज पर मंथ का आपका इंटरेस्ट आ जाएगा ठीक है इंटरेस्ट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स इजी है स्प्रेड कर दीजिएगा लाइफ के ऊपर क्या पढ़ रहे हैं सेक्शन थर्टी सिक्स एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं के बारे में करेगा। तो मेनलीक्शन थर्टी सिक्स में नो no. बिल्डिंग का इंश्योरेंस के लिए वी अ स्पेसिफिक सेक्शन थर्टी थ्री जीरो मशीन या फर्नीचर का इंश्योरेंस अगर आपके बिजनेस में मशीन है फर्नीचर है तो उसका इंश्योरेंस कहां पर जाएगा थर्टी वन में ठीक है वगैरह के बारे में हमने उसके अलावा बातें कर रहे हैं किसकी बातें कर रहे हैं अगर आपके पास स्टॉक है उसका इंश्योरेंस है ठीक है जो आ, कैटल वाला बिजनेस होता है लाइफ स्टॉक वो उनका इंश्योरेंस स्टॉक इंश्योरेंस करा सकते हैं हेल्थ है हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अक्सर एग्जाम में देखते रहते हैं आप ये हेल्थ इंश्योरेंस तो हेल्थ इंश्योरेंस अलाउड होता है अगर कोई भी कंपनी कोई भी इंप्लॉयर खर्चा करता है प्रीमियम पे करता है फॉर देयर इंप्लॉयज एंड ऑल्सो देयर फैमिली मेंबर्स सब्जेक्ट टू दैट इट शुड बी पेड अदर देन कैश अदर देन कैश में यह पे होना चाहिए बोनस और कमीशन अलाउड है सब्जेक्ट टू फोर्टी थ्री बी इसका एक्चुअल पेमेंट हो जाना चाहिए या तो प्रीवियस ईयर में ही पेमेंट हो जाए या फिर आर ओ आई की ड्यू डेट तक इसका पेमेंट हो जाना चाहिए

ओके जीरो कूपन बॉन्ड का भी इंटरेस्ट हम लोग स्प्रेड कर देते हैं लाइफ में कैसे करेंगे फॉर्मूला बनाइए कैसे बनाएंगे ठीक है अपने आप बनाए याद करने की जरूरत नहीं है इंटरेस्ट को हमें स्प्रेड करना है इंटरेस्ट कैसे आएगा डीम्ड इंटरेस्ट एक तरीके से फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस फेस वैल्यू तो सौ रुपए इशू प्राइस था बीस रुपए तो अस्सी रुपए का इंटरेस्ट आ गया ठीक है एट्टी रुपीज़र इंटरेस्ट स्प्रेड कर दीजिए इसको लाइफ पर ठीक है फॉर एग्जाम्पल जितना भी लाइफ दी हुई है आपको मंथ्स में दी हुई है या फिर ईयर्स uh, में दी गई है उस तरफ से आप स्प्रेड कर दीजिए और उस साल में जितना भी इंटरेस्ट बनता है उस पर्टिकुलर ईयर का वो अलाउड हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ठीक है नॉन रिकग्नाइज अलाउड नहीं होगा अलाउड नहीं होगा इट शुड बी रिक्नाइज या स्टैचरी प्रोविडेंट फंड जितना भी इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है ठीक है प्लीज प्लीज बताइए ये तो बिजनेस का खर्चा है ना ठीक है फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ कंपनी आपकी एक अच्छा एक बिजनेस है ठीक है और आपके यहां पर लगभग से 50 हैं ठीक है यू हैव 50 50 तो आप अपने 50 को सैलरी देते हैं सैलरी एक एक्सपेंस है अलाउड है 37 में हम लोग पढ़ेंगे अगर आपने उनको बोनस दिया सब लोग समझ रहे हैं ना प्रैक्टिकली बहुत प्रैक्टिकली सोचेगा अगर आपने उनको बोनस दिया कमीशन दिया सेक्शन थर्टी में अलाउड है आपने उनके लिए प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवाया है अगर अनरिक्नाइज ओपन कराया तो नहीं सॉरी सर वो कोई खर्चा हम नहीं मानेंगे बिकॉज अनरिकग्नाइज तो पता नहीं ना कि आप इंप्लाइज को पैसे कभी देंगे भी आप अपने आप ले लेंगे क्योंकि उसके ऊपर तो गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल होता नहीं है तो अनरिकग्नाइज इज नॉट अलाउड बट अगर आपने कोई रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है या गवर्नमेंट के केस में स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड है तो आप अपने इंप्लॉयज को एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं उनके प्रोविडेंट फंड में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं तो दैट एक्सपेंस ऑफ द इंप्लायर इज अलाउड अंडर सेक्शन थर्टी सिक्स सब्जेक्ट टू फोर्टी थ्री बी फोर्टी थ्री बी का मतलब ये जो आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्लीज इसको डिपॉजिट करा दीजिएगा या तो प्रीवियस ईयर में ही या फिर आर ओ आई की ड्यू डेट तक भी करा देंगे तो भी चलेगा सर उसके बाद कराया तो उसके बाद कराया तो फिर वो उस साल अलाउड होता है जो हम फोर्टी थ्री बी में पढ़ते हैं ठीक है अभी के लिए फिलहाल के लिए आप प्लीज इसको डिपॉजिट करा दीजिएगा दे आर अलाउड ओनली ऑन पेमेंट बेसिस आपने उसका पेमेंट कर दिया हो यानी कि आपने रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में या फिर स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड में पैसे डिपॉजिट करा दिए हो तभी अलाउड होगा कब तक डिपॉजिट कराने हैं आर की ड्यू डेट तक प्रीवियस ईयर में करा दीजिए या फिर आर की ड्यू डेट तक करा दीजिएगा ठीक है इसी तरीके से आपको पता है कि अब पेंशन स्कीम भी शुरू हो गई है तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम सेम है ऑलमोस्ट सेम है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैचुट्री प्रोविडेंट फंड या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ये भी सब्जेक्ट टू फोर्टी थ्री भी रहेगा आपने उनके लिए कोई पेंशन स्कीम ओपन कराई है नोटिफाइड पेंशन स्कीम वहां पर आप पैसे डिपॉजिट कराते हैं तो ये भी अलाउड होगा ठीक है इट्स अ रिटायरमेंट बेनिफिट आप उनके रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए पैसे जमा करा रहे हैं बट हाँ इसके ऊपर एक और लिमिट है कितनी मैक्सिमम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करा सकता है टेन परसेंट ऑफ सैलरी अगर उसने इससे ज्यादा कंट्रीब्यूट कराया है तो एक्सेस अलाउड नहीं होगा मैक्सिमम टेन परसेंट अलाउड होगा सर अगर ज्यादा करा दिया पूरा डिस अलाउट हो जाएगा क्या नहीं पूरा नहीं होगा टेन परसेंट तक अलाउड है एक्सेस डिस अलाउड हो जाएगा ठीक है टेन परसेंट ऑफ सैलरी सैलरी में क्या क्या लेना दो चीज लेनी है सिर्फ बेसिक सैलरी डी ए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट ठीक है तो जब टेन परसेंट ऑफ सैलरी लीजिएगा बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट बेड डेट्स ठीक है बेड डेट्स अलाउड है ठीक है बेड डेट्स अगर हो जाते हैं तो अलाउड है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अलाउड नहीं है प्रोविजन अलाउड नहीं होते हैं ठीक है बट इफ इट इज डेट्स अलाउड होता है ठीक है बेड डेट्स आर अलाउड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अलाउड होते हैं बैंकिंग कंपनीज के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए यह बात यह पॉइंट एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ सीएमएस स्टूडेंट्स और सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए है सी ए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए ये पॉइंट कोर्स में नहीं है ऑल दो ये सेक्शन थर्टी सिक्स का पार्ट है बट सी ए इंटर के कोर्स में नहीं है सी एम ए और सी एस स्टूडेंट्स के लिए कोर्स में है ये तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स याद रखिएगा ठीक है रेगुलर क्लास में मैं इसका पूरा टेबल बनाता हूँ ठीक है अभी के लिए याद रखिएगा ठीक है रिविजन के लिए प्लीज़ अगर बैंक्स बैंक्स है है तो है? क्यों है? हैं ठीक है इंडियन बैंक्स हैं तो कितना अलाउ करते हैं सेवन पॉइंट फाइव परसेंट से डेट्स काफी हो जाते हैं तो इनके लिए प्रोविजन भी अलाउड है बैंक्स के लिए अलाउड है इंडियन बैंक्स के लिए 7.5 पॉइंट फाइव परसेंट फॉरन बैंक्स के लिए 5 परसेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए 5 परसेंट ठीक है और अगर इंडियन आपको याद होगा इंडियन बैंक की रूरल ब्रांचेस हैं तो उनके लिए भी टेन परसेंट अलाउड है मैं ऐसे बोलता था क्लास में कि गांव में है अगर कोई विलेज है वहां पर फार्मर्स को लोन दिया जाता है तो कभी कभी क्या होता है इलेक्शन आ रहे होते हैं या फिर रूलिंग uh, पार्टी क्या बोलती है कि इनका लोन माफ कर देते हैं या फिर फार्मर uh, से रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो इसलिए रूरल ब्रांचेस को एक्स्ट्रा प्रोविजन बनाने के लिए बत, बताया गया था तो आई एम अगेन रिपीटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अलाउड जनरली नहीं होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए इंक्लूडिंग सी एंटर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अलाउ मत खींचेगा बट ओनली इन केस ऑफ बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलाउड होता है और लिमिट कितनी लगती है बैंक के ऊपर ठीक है इंडियन बैंक के ऊपर सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ प्रोफिट जितने भी इनके प्रॉफिट आते हैं उसका सेवन पॉइंट फाइव परसेंट तक फॉरन फॉरेन बैंक्स के ऊपर या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए फाइव परसेंट तक बट हाँ इंडियन बैंक्स के लिए एक और एक्स्ट्रा है जितना भी इनकी रूरल ब्रांचेस लोन देती हैं उसका टेन परसेंट भी अलाउड होता है फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस अलाउड हैं बट ओनली टू कंपनी एस एस अब ये जो बातें मैं कर रहा हूँ वो सब लोगों के लिए ठीक है सिर्फ ये पॉइंट सी एम ए और सी एस स्टूडेंट्स के लिए था बाकी सभी मैंने वहां पर मैंशन भी, भी किया हुआ है कि कौन सी चीजें सी एम ए सीएस के कोर्स में और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो तो सभी के कोर्स में है ठीक है ओके फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस अलाउड है ओनली एंड ओनली टू कंपनी एस एस सी ठीक है सिर्फ और सिर्फ कंपनी एस ए सी के लिए ही अलाउड है किसी और के लिए अलाउड नहीं होगा ठीक है अगर ये आप देखते हैं अक्सर आपको एग्जाम में कैसा मिलता है एक इंडिविजुअल का पीएनएल अकाउंट दे, दे दिया गया ठीक है इंडिविजुअल का पीएनएल अकाउंट दे दिया गया और वहां पर लिखा कि इन्होंने फैमिली अपने एम्प्लॉयज के लिए फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसिस के ऊपर इतना खर्चा किया कितना अलाउ करेंगे आपका ध्यान आएगा अरे सर ने पढ़ाया था सेक्शन 36 में अलाउड होता है अरे बॉस इट इज अलाउड ओनली फॉर कंपनी एसएससी ठीक है वो सिर्फ कंपनी एस के लिए अलाउड होता है बाकी किसी और के लिए अलाउ मत कीजिएगा ठीक है पूरा का पूरा डिस कर दीजिएगा बट कंपनी एसएससी के लिए अलाउड होता है जितना ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस करते हैं फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड दैट इज अलाउड फुली अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइव पार्ट में अलाउड होता है फाइव इंस्टॉलमेंट्स में यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को वन फिफ करके पांच साल में अलाउ कीजिएगा रेवेन्यू एक्सपेंसिस को पूरा का पूरा अलाउ कर दीजिएगा बट 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 ओनली फॉर कंपनी एसएससी ठीक है नॉट फॉर एनी वन एल्स और सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टेक्स एस टी टी अगर कोई स्टॉक ब्रोकर है ठीक है उसका बिजनेस है बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल इन्वेस्टर है नॉर्मल इन्वेस्टर है शेयर्स खरीदता है बेचता है तो उसके लिए तो इनकम कैपिटल गेन में जाती है तो उसको भी एसटीटी पे करना पड़ता है वो कैपिटल गेन में हम लोग देखते हैं और कैपिटल गेन में हमें पता है कि हम एस टी टी अलाउड नहीं करते इन्वेस्टर्स के लिए बट इफ द पर्सन इज अ स्टॉक ब्रोकर ठीक है ही इज इन टू अ बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स तो उसके केस में एस में टी अलाउड होता है और इसी तरीके से अगर आप कमोडिटीज में ट्रांजेक्शन करते हैं तो सी टी टी कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स अलाउड होता है जो लोग इसकी ट्रेडिंग करते हैं जो लोग इसकी ट्रेडिंग करते हैं ठीक है थीके? इन्वेस्टर्स के लिए नहीं सबको ये बातें समझ में आ गई हैं दिस वॉज सेक्शन थर्टी ठीक है एक बार यहां से मैं दोबारा से रिवाइज कराना चाहूंगा क्योंकि ऊपर वाली चीज तो हमने रिवाइज कर दी थी पूरा कर लें एक बार चलो एक मिनट लगेगा ठीक है पूरा कर लेते हैं सेक्शन थर्टी सिक्स सबसे पहले एक लंबी घरी सांस एक और ओके ठीक है इसको भूल जाइए तोमल हम लोग बातें कर रहे थे सेक्शन थर्टी सिक्स की सेक्शन थर्टी सिक्स Other अगर इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हो तो याद रहेगा लाइफ स्टॉक या फिर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय एंड देर फैमिली मेंश में पे किया है अलाउ मत कीजिएगा ठीक है बोनस दे या कमीशन दे अपने इंप्लॉयज को दैट इज अलाउड सब्जेक्ट टू फोर्टी थ्री बी इसका पेमेंट हो जाना चाहिए तभी अलाउड है अगर अभी इसका पेमेंट नहीं हुआ है तो अभी अलाउ मत कीजिएगा अगर आपने कोई लोन लिया है तो दैट इज अलाउड इंक्लूडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट दैट इंटरेस्ट इज अलाउड ठीक है असेसिंग ऑफिसर आपसे ये नहीं बोल सकता कि आपने क्यों लोन लिया आपके पास तो पैसा था आपने बिजनेस के लिए अरे आपने लोन लिया है दैट सेट ठीक है अगर आपने अपने बिजनेस के लिए लोन लिया है ठीक है इसमें कोई दो राय नहीं है यू हैव टेकन योर बिजनेस टेकन अ लोन फॉर योर बिजनेस तो इट इज अलाउड इंटरेस्ट इज अलाउड हां अगर आपने कोई असेट परचेज करने के लिए लोन लिया है तो वो भी अलाउड होता है बट अगर इंटरेस्ट रिलेट करता है उस पीरियड को जब तक असेट पुट टू यूज नहीं हुआ था तब तक का इंटरेस्ट थर्टी में अलाउड नहीं होता है वो तो आपका असेट का पार्ट बन जाएगा कैपिटलाइज करेंगे उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लीजिएगा इंटरेस्ट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स अलाउड है

इंटर के लिए तो ये आएगा भी नहीं क्योंकि उनके कोर्स कोर्स में नहीं है तो बट सीएम और सीएस स्टूडेंट्स प्लीज याद रखिएगा सिर्फ बैंक्स के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए कुछ परसेंटेज तक अलाउ करते हैं सेवन पॉइंट फाइव परसेंट या फाइव परसेंट ये सेवन पॉइंट फाइव परसेंट फाइव परसेंट किसके प्रॉफिट का आपके जितने भी प्रॉफिट्स आते हैं उसका सेवन पॉइंट फाइव परसेंट तक अलाउड है और फाइनेंशियल ट्यूशन के लिए फॉरन बैंक के लिए फाइव परसेंट तक अलाउड है रूरल ब्रांचेस टेन परसेंट अलाउड है टेन परसेंट ऑफ प्रॉफिट या टेन परसेंट ऑफ देयर लोन जितना रूरल ब्रांचेस ने लोन दिया है ठीक है दोबारा से रिपीट कर रहा हूं सेवन पॉइंट फाइव और वन फाइव परसेंट तो प्रॉफिट का लेना है और रूरल ब्रांचेस के लिए जो इंडियन बैंक के लिए रूरल ब्रांचेस देखनी है टेन परसेंट लेना है टेन परसेंट ऑफ प्रॉफिट का मत लीजिएगा जितना उन रूरल ब्रांचेस ने लोन दिया है कोई गांव में बैंक की ब्रांच है ठीक है बैंक की क्या बोलते हैं शाखा है ठीक है तो कोई गांव में बैंक की ब्रांच है उन लोगों ने जितना लोन दिया है उसका टेन परसेंट तक अलाउड होता है फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं बट सिर्फ और सिर्फ कंपनी एस के लिए रेवेन्यू भी अलाउड है कैपिटल भी अलाउड है बट कैपिटल केपेक्स जिसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर शॉर्ट फॉर्म है कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैपिटल एक्सपेंडिचर पांच इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड कीजिएगा अगर एक स्टॉक ब्रोकर है तो उसके लिए मतलब आप ट्रेडिंग करते हैं अगर आप शेयर्स की तो एस अलाउड है अगर आपकी पीजीबीपी की इनकम आती है तो अलाउड है बट अगर आपकी कैपिटल थर्टी सिक्स में अगर कोई आपके बिजनेस में कोई एनिमल है ठीक है कोई लाइफ स्टॉक है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जितना भी उस पर लॉस हो जाता है दैट इज अलाउड अंडर सेक्शन 36 ठीक है उसके ऊपर लॉस क्या होगा जितने का भी आपने वो आ,

सेक्शन थर्टी सेवन अगेन एन इंपॉर्टेंट और थर्टी सेवन तो बहुत छोटा सा सेक्शन है जनरल डिडक्शन का जनरल डिडक्शन का मतलब है यहां पर इन लोगों ने ये नहीं बोला कि कौन कौन से एक्सपेंसिस अलाउड है इन्होंने सिर्फ कंडीशन दी है इफ दो कंडीशन गेट सेटिस्फाइड तो हम बोलेंगे ये एक्सपेंस अलाउड होता है ठीक है थर्टी सेवन है जनरल डिडक्शन का द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस बहुत आसान कंडीशन है फर्स्ट चीज अगर आपका कोई भी एक्सपेंस है Case, वो सेक्शन थर्टी से लेकर थर्टी सिक्स में कवर्ड है तो क्या प्लीज उसको आप थर्टी सेवन में अलाउ करेंगे या उसके लिए हुए? तो section, section 30 36, 37 से ठीक पहले थर्टी से लेकर थर्टी सिक्स में अगर आपका कोई भी एक्सपेंस आता है तो प्लीज उसको वहां पर अलाउ करिएगा आप उसको जनरल डिडक्शन में मत लाइएगा बिकॉज सब लोग ये बात जानते हैं स्पेसिफिक प्रोविजंस जनरल मेरे साथ बोलिएगा ठीक है जोर से बोलिएगा स्पेसिफिक प्रोविजन ओवर जनरल ठीक है यानी कि स्पेसिफिक प्रोविजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनरल प्रोविजन से आप अगर किसी चीज के लिए स्पेसिफिक बातें दी गई होती हैं तो फिर हम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं तो ठीक इसी तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए सेक्शन 30 से लेकर 36 में बातें बताई गई हैं तो अब ऐसा नहीं कि आप उसको 37 में अलाउ कर दीजिएगा नो no. तो सबसे पहली बात है आपका वो एक्सपेंस 30 से लेकर 36 में कवर नहीं होना चाहिए अगर वो 30 से लेकर 36 में कवर है तो प्लीज उनके लिए तो स्पेसिफिक प्रोविजंस बने हुए हैं आप उनको वहां पर अलाउ कीजिएगा ठीक है दूसरी बात सेक्शन 37 में कैपिटल एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होते इट शुड बी रेवेन्यू एक्सपेंसेस दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वो रेवेन्यू नेचर के होने चाहिए कैपिटल नेचर के नहीं होने चाहिए आपके वो एक्सपेंस पर्सनल ना हो इट शुड बी फॉर बिजनेस एक्सपेंस वो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस हो ठीक है सर अगर कोई ऐसा एक्सपेंस किया विच इज बिजनेस एज वेल एज पर्सनल तो प्रोपोर्शनेटली अलाउ कीजिएगा प्रोपोर्शनेटली की बात है तो थर्टी एट भी बता देगा ठीक है कि हम जितना बिजनेस रिलेटेड होता है सिर्फ उतना ही अलाउ करते हैं सबको समझ में आ रहा है थर्टी से लेकर थर्टी सिक्स में कवर्ड ना हो आपके वो रेवेन्यू नेचर के होने चाहिए कैपिटल नेचर के नहीं होने चाहिए पर्सनल नहीं होने चाहिए बिजनेस के लिए होने चाहिए एंड इट शुड नॉट बी इलीगल एक्सपेंस ठीक है इट शुड नॉट बी इलीगल एक्सपेंस इीगल मतलब प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ वो किसी लॉ के अंडर इलीगल ना आते हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का बिजनेस है बिना ब्राइब दिए चलता ही नहीं है ठीक है वहां पर रिश्वत देनी ही पड़ती है फॉर एग्जाम्पल बट क्या ब्राइब देना अगर आप पीएनएल अकाउंट में देखें ब्राइब एक्सपेंसेस किसी को ब्राइब दी है ठीक है आपने पूछा अरे अकाउंटेंट से कि ये क्या है भैया आपने उन्होंने कहा सर ब्राइब देनी पड़ती है बिना उसका बिजनेस ही नहीं चलता है तो क्या वो एक्सपेंस अलाउड होता है हाँ सर बिजनेस नेचर का है रेवेन्यू है ठीक है हर हफ्ते देना पड़ता है पैसा या हर महीने देना पड़ता है पैसा थर्टी से थर्टी सिक्स में कवर्ड नहीं है रेवेन्यू नेचर का है सर बिजनेस के लिए देना पड़ता है बिना उसका बिजनेस नहीं चलता है क्या वो अलाउड होगा द आंसर इज नो दैट इज एन इलीगल एक्सपेंस ठीक है दैट इज नॉट अलाउड बाय लॉ ठीक है वो अलाउड नहीं होता वो प्रोविटेड होता है क्लियर हो गया थर्टी सेवन में अब अच्छा मुझे बताओ बताइए कौन कौन से एक्सपेंसि थर्टी सेवन में अलाउड हो सकते हैं एग्जाम्पल दीजिए अब परचेजेस ठीक है अगर आप परचेज करते हैं गुड्स की देखो परचेज एक मेजर एक्सपेंस होता है जब हम अपने एक्सपेंसेस देखते हैं अपनी कॉस्टिंग देखते हैं तो परचेज सबसे ज्यादा जनरली सबसे ज्यादा वेट कैरी करता है स्पेसिफिकली ट्रेडिंग कंपनीज के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग uh, कंपनीज के लिए तो परचेज करना इज अ मेजर एक्सपेंस ठीक है परचेजेस अब प्लीज बताइए सेक्शन थर्टी से लेकर थर्टी सिक्स में कहीं पर भी हमने परचेज पढ़ा द आंसर इज नो ठीक है परचेजेस का हमने कोई एक्सपेंस नहीं पढ़ा वहां पर तो परचेजेस जैसे एक्सपेंस थर्टी सेवन में अलाउड हो जाएंगे एडवर्टीजमेंट कराना ठीक है एडवर्टीजमेंट इज योर बिजनेस एक्सपेंस थर्टी से लेकर थर्टी सेवन में हमने कहीं थर्टी सिक्स में सॉरी हमने थर्टी सिक्स तक कहीं नहीं पढ़ा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिस अलाउड हो जाएंगे थर्टी सेवन में फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस में टेलीफोन एक्सपेंसिस हैं ठीक है टेलीफोन एक्सपेंसेस कोरियर एक्सपेंसेस हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस हैं सैलरी है सैलरी मेजर एक्सपेंस होता है स्पेसिफिकली सर्विस इंडस्ट्री में तो इनकी बातें हमने मैंने जितने भी एक्सपेंसेस ये बोले ठीक है ठीक है आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है टेलीफोन एक्सपेंसेस है सैलरी एक्सपेंसेस हैं ये बातें थर्टी से लेकर थर्टी सिक्स में नहीं लिखी थी बट क्या ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं हो सर, होते सर बिजनेस एक्सपेंस होते हैं पर्सनल नहीं है सर रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं

स्पेसिफिक लॉ बना हुआ है उसके लिए प्लीज अपना सेक्शन 30 से लेकर 36 में ही रखिएगा 37 में तभी लाइएगा अगर वो पर्टिकुलर एक्सपेंस वहां पर कवर्ड नहीं है तो यहां पर ला सकते हैं बट उसके साथ साथ बाकी कंडीशंस भी फुलफिल करनी पड़ेंगी इन सब के बीच में प्लस प्लस प्लस, प्लस लगा हुआ है ये चारों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए तभी आपका एक्सपेंस थर्टी में आएगा ठीक है और एक बात इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा

रेवेन्यू नेचर के हाँ, हर साल करने पड़ते हैं क्या प्रोविटेड बाय लॉ है नहीं प्रोविटेड बाय लॉ तो नहीं है बल्कि लॉ तो कंपनी तो कह रहा है कि आपको एक्सपेंस एक्सपेंस करने पड़ेंगे बट वो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते हैं ठीक है वो आपने सोसाइटी के लिए करे हैं बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते हैं सी एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया एक लॉ कह रहा है कि एक्सपेंस करिए दूसरा लॉ कह रहा है कि हम इसको अलाउ नहीं करेंगे कुछ ओवर नेटवर्क उस अमाउंट से ज्यादा है ठीक है बट अगर इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि सर वो एक्सपेंस अलाउड नहीं है बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस ठीक है तो याद रखिएगा सी एस आर एक्सपेंसिस दूसरा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है थर्टी सेवन टू भी अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन आ रहे हैं ठीक है इलेक्शन है तो कोई भी बिजनेस पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देता है पॉलिटिकल पार्टी अपना होर्डिंग्स लगवा रही है नीचे आपका नाम लिख देती है स्पॉन्सर्ड या आपका एडवर्टीजमेंट कर रही है या उनके ब्रोशर्स हैं पैम्पलेट्स हैं कैटलॉग्स हैं सवेन हैं ठीक है, 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 है उसमें आपका एडवर्टीजमेंट चल रहा है ठीक है सर ये तो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस है तो सारी कंडीशन सेटिसफाइड हो रही हैं थर्टी से लेकर थर्टी सिक्स में कवर नहीं होता ऐसे एक्सपेंस का एक कंडीशन सेटिसफाइड रेवेन्यू नेचर का है फॉर एग्जांपल आप हर साल करते हैं ऐसे एक्सपेंसेस ठीक है पर्सनल है बिजनेस नेचर के बिजनेस नेचर के आपका बिजनेस का एडवर्टीजमेंट हो रहा है प्रोविडेड बाय लॉ है क्या नहीं जी आप ऐसा कर सकते हैं तो ये चारों कंडीशन सेटिसफाइड है तो हमें लगता है कि ये तो एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा बट स्पेसिफिकली थर्टी सेवन टू भी इसके लिए आया और उसने मना करा कि हम पॉलिटिकल पार्टी को जो एक्सपेंस करते हैं पैसे देते हैं वो अलाउ नहीं करते क्यों नहीं करते हैं अब वो बातें हम रेगुलर क्लास में डिस्कस करते हैं अभी के लिए सिर्फ रिविजन के लिए याद कर लीजिएगा आपको याद आ गया होगा कि क्यों ऐसा करते हैं और हाँ इसके लिए आपको पता है कि एट्टी जी जी बी और एट्टी जी जी सी में भी जाकर चैप्टर सिक्स ए में इसकी 100% परसेंट डिडक्शन मिल जाती है बट एज अ भी एक्सपेंस उसको अलाउ नहीं किया जाता याद रखिएगा पॉलिटिकल पार्टी को जब पीजीबी की इनकम निकालें तो अगर आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ पर एडवर्टीजमेंट कराया है उनके होर्डिंग्स में उनके कोई बोर्ड लगा है उनका कोई सॉफेयर है उनका कोई कैटलॉग है पैम्पलेट है प्लीज अलाउ मत कीजिएगा ठीक है उसको अलाउ मत कीजिएगा सेक्शन 38 एट इज अ प्रोपोशन डिडक्शन ठीक है

सेक्शन 40 स्मॉल ए अगेन एन इंपॉर्टेंट सेक्शन और अब तो इसके बाद जितने भी सेक्शंस आते रहेंगे मैं उनको बार बार बोलता रहूंगा ये इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है important. क्योंकि वो है ही इंपॉर्टेंट ठीक है बोथ प्रैक्टिकली एज वेल एज फॉर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सेक्शन फोर्टी स्मॉल ए कुछ एक्सपेंसेज को हम अलाउ नहीं करते स्पेसिफिकली फोर्टी स्मॉल ए ने बोल दिया ऑल दो ऐसे एक्सपेंसेस हमें लगता है कि सेक्शन 30 से लेकर 37 में आ जाएंगे सर उनको अलाउ कर देना चाहिए बट 40 फोर्टी ओवर राइट कर स्ट्रॉगर सेक्शन ठीक है a a वो उनको ओवर कर जाता है वो कहते हैं कि वो सेक्शंस कुछ भी बोलते रहे मैं ज्यादा स्ट्रांग हूं मेरी बात सुनिए और अगर इनकेस फोर्टी स्मॉल ए में की कंडीशन में हम आ जाते हैं तो फिर वो एक्सपेंस हम अलाउ नहीं करते हैं क्या लिखा हुआ है यहां पर अगर आप आउटसाइड इंडिया पे करते हैं अगर आप आउटसाइड इंडिया पे करते हैं क्या चीज इंटरेस्ट ठीक है आपने इंटरेस्ट पे किया क्योंकि आपको पता है जिसको आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसकी डीम्ड इनकम हो रही है इंडिया में उसका टैक्स लगेगा इंडिया में तो आप जब उसको इंटरेस्ट पे करें उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करके करें ठीक है आपको उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए या फिर आप पे कर रहे हैं एफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेस या फिर आप पे कर रहे हैं रॉयल्टी या कोई भी ऐसा अमाउंट जिसके ऊपर उस व्यक्ति का इंडिया में टैक्स लगता है जो व्यक्ति इंडिया के बाहर बैठे हुए लेट्स से ही सेटिंग इन यूएस ठीक है तो अगर आप उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आप उसको रॉयल्टी पे कर रहे हैं आप उसको फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे कर रहे हैं और एनी अदर सम विच इज चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया ठीक है कोई भी ऐसा इनकम आप उसको पे कर रहे हैं ठीक है आपके लिए एक्सपेंस है उसके लिए वो इनकम है और उस इनकम के ऊपर उसको इंडिया में टैक्स देना चाहिए तो ये आपका एक्सपेंस तभी अलाउ होगा जब आप उसका टीडीएस डिडक्ट करें ठीक है उसका टीडीएस डिडक्ट करें और डिपॉजिट भी कराएं टीडीएस डिडक्ट कब तक करना है टीडीएस डिडक्ट देखो दो चीज होती है डी एस डिडक्ट करना और टी डी एस डिपॉजिट करना टी डी एस डिडक्ट करना है प्रीवियस ईयर में ही प्रीवियस ईयर में ही और डिपोजिट करना है आर ओ आई की ड्यू डेट तक आर ओ आई की ड्यू डेट तक आप डिपॉजिट करें बोध दीज कंडीशन मस्ट भी सैटिस्फाइड अगर ये दोनों कंडीशन सेटिसफाइड है तो हम अलाउ कर देते हैं वो एक्सपेंस अदरवाइज वो हम अलाउ नहीं करते हैं फिर हम अलाउ नहीं करते हैं। फिर कब अलाउ करते हैं फिर जिस भी ईयर में वो डिपॉजिट होता है फिर वो तब अलाउ हो जाता है ठीक है बट इस साल हो जाएगा तो अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है रॉयल्टी पे करा है एफटीएस पे करा है और एनी अदर इज चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया अगर आपने ये पैसा पे करा है इंडिया में टैक्स होना चाहिए और पैसा पे कहां पर कर रहे हैं आप आउटसाइड इंडिया in तो आप इसको अगर आपने टीडीएस के प्रोविजन फॉलो नहीं करे हैं तो हम हंड्रेड परसेंट डिसअलाउ कर देंगे हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट मतलब अगर आपने पांच लाख का इंटरेस्ट पे करा है या पांच लाख की रॉयल्टी पे करी है पांच लाख की एफ पे करा है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या टीडीएस डिडक्ट किया पर डिपॉजिट नहीं करा आर की ड्यू डेट तक हम पूरा का पूरा पांच लाख डिसअलाउ कर देंगे हंड्रेड परसेंट डिसअलाउ कर देंगे ठीक है बट अगर आपने आउटसाइड इंडिया पे नहीं करा विद इन इंडिया पे करा किसी रेजिडेंट को ठीक है आपने किसी रेसिडेंट को पैसे पे करे हैं बट उसके ऊपर टी के प्रोविजन्स थे जो हम टी का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे अमाउंट है जिसके ऊपर टी डी करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को कमीशन पे करते हैं ठीक है आप कमीशन पे करते हैं किसी को ब्रोकरेज पे करते हैं किसी को आप कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया आप उसके पैसे पे करते हैं किसी को आप इंडिया में ही रेसिडेंट को ठीक है आप उसको रॉयल्टी पे करते हैं आप उसको प्रोफेशनल सर्विसेज के पैसे पे करते हैं तो टीडीएस के प्रोविजंस लगते हैं हम लोग जानते हैं लिमिट से ऊपर पे करें तो टीडीएस के प्रोविजंस हैं बट अगर किसी भी एक्सपेंस के ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस थे और आपने वो टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है या फिर आपने टाइम से डिपॉजिट नहीं कराया टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या फिर डिडक्ट कब करना है प्रीवियस ईयर में डिपॉजिट कब कराना है आरओआई की ड्यू डेट तक अगर आपने किसी भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई तो हम ये एक्सपेंस डिसअलाउ कर देंगे पूरा नहीं थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट देख लीजिए इंडिया के बाहर आप जो पे कर रहे हैं वो हंड्रेड डिसअलाउड है और जो आप रेसिडेंट को ही पे कर रहे हैं विद इन इंडिया वो सिर्फ थर्टी परसेंट ही डिसअलाउ होगा यानी कि अगर आपने वन लाख रुपीज का खर्चा किया है तो इसमें से थर्टी परसेंट डिसलाउ हो जाएगा थर्टी थाउजेंड रुपीज डिसअलाउ कीजिएगा सेवेंटी थाउजेंड रुपीज रहेगा सेवेंटी थाउजेंड रुपीज तो रहेगा सिर्फ थर्टी परसेंट डिसअलाउव करेंगे क्या थर्टी परसेंट बाद में कभी अलाउ हो जाएगा हां जी जब कभी भी आपने इसका टीडीएस जमा कर दिया जिस भी ईयर में उस साल फिर ये अलाउ हो जाएगा बाकी का अमाउंट भी नेक्स्ट है सैलरी पेएबल आउटसाइड इंडिया अगर आपने इंडिया के बाहर सैलरी पे करते हैं सर ये तो ऊपर ही लिख देते नहीं इसको इसके लिए थोड़े से एक स्पेशल बात है यहां पर कि अगर आपने इंडिया के बाहर सैलरी पे की है विदाउट टीडीएस ठीक है आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या टीडीएस डिपॉजिट नहीं कराया आर की ड्यू डेट तक तो हंड्रेड परसेंट डिसअलाउ हो जाएगा और ये बाद में अगर इसका इसका टीडीएस अगर बाद में भी भी डिपॉजिट हुआ ना ये ये तभी अलाउड नहीं होता है तो ये एक स्पेशल केस है यहां पर बाकी ये दोनों केसेस क्या है अगर इसका टीडीएस आपने बाद में लेट जमा कराया है तो ये तब अलाउ जितना भी डिसअलाउ किया था ये बाद में अलाउ हो जाते हैं बट सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया ये बाद में भी अलाउ नहीं होती है ठीक है इसलिए इसको थोड़ा अलग लिखा गया है ठीक है

इनकम टैक्स या प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अलाउ नहीं होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्या देखेंगे एग्जाम में कैसे आता है पी एन एल अकाउंट आ गया ठीक है फॉर एग्जाम्पल किसी इंडिविजुअल का मिस्टर का यहां पर बहुत सारे एक्सपेंस लिखे हैं और इसमें से एक इनकम टैक्स का कि इन्होंने इनकम टैक्स पे करा ठीक है वो कहते हैं सर मैंने बिजनेस की इनकम अर्न करी उसके ऊपर इनकम टैक्स क्या अलाउ होगा ना आंसर इज नो आप लोग निकाल क्या रहे हैं आप लोग निकाल ही पी भी रहे हैं यानी कि आप तो बिफोर टैक्स की इनकम निकाल रहे हैं तो आप इनकम टैक्स कैसे अलाउ कर सकते हैं तो इनकम टैक्स इज नॉट अलाउड प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इज नॉट अलाउड ठीक है इनकम टैक्स को दिया गया पैसा आप अलाउ नहीं करते पहले वेल्थ टैक्स भी हुआ करता था बट बल्कि वेल्थ टैक्स अबॉलिश हो गया तो हम उसको बात नहीं करते हैं कुल मिला के डायरेक्ट टैक्स अलाउड नहीं होते हैं सर इंडरेक्ट टैक्स अलाउड हो जाएंगे हाँ इंडायरेक्ट टैक्स आप अलाउड हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने पी अकाउंट है उसने जीएसटी पे किया है तो क्या ये अलाउड है आंसर इज यस जीएसटी पे करना अलाउड होता है बट सब्जेक्ट टू फोर्टी थ्री भी क्योंकि फोर्टी थ्री भी क्या कहेगा एनी टाइप ऑफ टैक्सेस याद आता है फोर्टी थ्री भी मैंने एक बार बताया था वहां पे म्यूनिस्पल टैक्सेस में कि एनी टाइप ऑफ टैक्सेस में तो म्यूनिपल टैक्सेस भी आ गए इसी तरीके से जीएसटी वगैरह भी अगर आप पे करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं अलाउड है कस्टम ड्यूटी पे करते हैं अलाउड है बट सब्जेक्ट टू फोर्टी थ्री ये पेमेंट हो जाना चाहिए उसका डायरेक्ट टैसेज अलाउड नहीं होता इनकम टैक्स अलाउड नहीं है और टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनिटरी अगर हमने अपने इम्प्लॉइज को हमने अपने इम्प्लॉयज को कोई परक्यूजिट दिया है नॉन मॉनिटरी लेट से रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया या मोटर कार की फैसिलिटी देगी ऐसे बहुत सारे परक्यूजिट्स हैं ठीक है आपने इन काइंड में दिया और उसके ऊपर का टैक्स भी उसके ऊपर क्योंकि आपको पता है कि जब कभी भी इम्प्लॉय को हम लोग

सेक्शन फोर्टी स्मॉल ए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये याद रखिएगा इनकम टैक्स अलाउड नहीं है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अलाउड नहीं है टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर बाई दॉन मॉड्री पर सारी चीजें टीडीएस के प्रोविजन होते हैं टीडीएस आपने डिडक्ट नहीं किया है तो हम अलाउ नहीं करेंगे आउटसाइड पेमेंट करिए तो हंड्रेड परसेंट अलाउ कर देंगे रेसिडेंट को पे करिए विद इन इंडिया तो थर्टी परसेंट अलाउ कर देंगे ओके कम टू नेक्स्ट सेक्शन फोर्टी स्मॉल बी फोर्टी स्मॉल ए क्या था एक्सपेंसिस नॉट अलाउड फोर्टी स्मॉल बी है ये स्पेसिफिकली बातें करेगा पार्टनरशिप फर्म के बारे में ठीक है पार्टनरशिप फर्म के लिए ये सेक्शन लगता है फोर्टी स्मॉल बी और ये कहते हैं कि हम अपने पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट या कितनी रेमंड्रेशन पे कर सकते हैं ये कहते हैं कि आप अपने पार्टनर्स को रेमंड्रेशन पे कर सकते हो या उनको इंटरेस्ट पे कर सकते हो बट सब्जेक्ट टू अ अटन लिमिट ठीक है आप अपने पार्टनर्स को पैसे पे कर सकते हो दो चीज में हम देख देखते हैं एक तो इंटरेस्ट और दूसरी अदर रेमंड्रेशन अगर आप अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना चाहते हो इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल किस किस पार्टनर को कर सकते हो दो तरह के पार्टनर्स होते हैं वर्किंग पार्टनर्स नॉन वर्किंग पार्टनर्स ठीक है जिसको हम स्लीपिंग पार्टनर और एक्टिव पार्टनर्स भी बोलते हैं

उसने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है तो इसलिए वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अगर वो आ भी नहीं रहा है बिजनेस में इज अ स्लीपिंग पार्टनर इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर तो उसका भी हक है ना ठीक है ही हैज अ राइट ऑन इंटरेस्ट ऑन अगर आप बाकी लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो उसको भी दीजिए बिकॉज बेस क्या है इसका कैपिटल इन्वेस्ट किया है इसलिए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये तो सभी लोगों को मिलना चाहिए इसके ऊपर तो सभी लोगों का हक होता है है ठीक तो तो एनी ऑफ द पार्टनर वेदर ही 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 इज इज वर्किंग वर्किंग और नॉन कैन से दैट सर मुझे तो, मेरी कैपिटल तो इन्वेस्टेड है ना तो उसके ऊपर तो इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होता है सभी पार्टनर्स के लिए टू ऑल पार्टनर्स वेदर दे आर वर्किंग पार्टनर और दे आर नॉन वर्किंग पार्टनर इट इज अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड बट मैक्सिमम कितना अलाउ करेंगे जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ जितना विच इज ऑथराइज पार्टनरशिप डीड ठीक है उतना अलाउ करेंगे हाँ बट अगर पार्टनरशिप डीड में ट्वेल्व परसेंट पर एन से ज्यादा लिखा हुआ है तो मैक्सिमम हम ट्वेल्व परसेंट ही अलाउ करते हैं ठीक है तो दिस इज इंपॉर्टेंट जितना पार्टनरशिप डीड कहती है उतना अलाउ अगर पार्टनरशिप डीड मना कर देती है तो क्या ट्वेल्व अलाउड होगा नहीं पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर सकते हैं हम तभी अलाउ करेंगे बट अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है टेन परसेंट तो टेन परसेंट अलाउ करेंगे नाइन परसेंट तो नाइन परसेंट अलाउ करेंगे ठीक है पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ नहीं अलाउ करेंगे पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ फिफ्टीन परसेंट पंद्रह का इंटरेस्ट हम पे करेंगे हम मैक्सिमम कितना अलाउ कर सकते हैं फोर्टी स्मॉल भी क्या कहते हैं सिर्फ ट्वेल्व ठीक है हम सिर्फ ट्वेल्व पर पर सिंपल इंटरेस्ट अलाउ कर सकते हैं अब इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने पता चला हम सभी पार्टनर्स को दे सकते हैं बट अगर हमें किसी को सैलरी देनी है सैलरी टू पार्टनर ठीक है पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स uh, को सैलरी देना चाहती है या फिर बोनस या कमीशन देना चाहती है अब सैलरी बोनस कमीशन किसको मिलता है जो काम करता है अब जो पार्टनर है वो आता ही नहीं है बिजनेस में तो हम उसको सैलरी कमीशन वगैरह क्यों दें ठीक है तो नॉन वर्किंग पार्टनर को अलाउ नहीं करेंगे सैलरी बोनस कमीशन या अदर रेमड्रेशन बट वर्किंग पार्टनर्स को ही अलाउड होता है तो रेमंड्रेशन टू नॉन वर्किंग पार्टनर इज नॉट अलाउड रेमंड्रेशन टू नॉन वर्किंग पार्टनर इज नॉट अलाउड क्लियर हो गया वर्किंग पार्टनर्स को अलाउ कर सकते हैं कितना अलाउ कर सकते हैं उसके ऊपर भी एक लिमिट लगाई गई है ठीक है कितना वर्किंग पार्टनर्स को भी कितना अलाउ कर सकते हैं जितना पार्टनरशिप डीड बोलती है उतना अलाउ कर सकते हैं बट उसके ऊपर एक ओवरऑल लिमिट लगाई गई है उससे ज्यादा आप अलाउ मत करिएगा ठीक है कितनी लिमिट है ये ये कहते हैं कि पहले आप अपने बुक प्रॉफिट्स निकालिए और बुक प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग हम अलाउ करते हैं ठीक है अगर आपके लेट से बुक प्रॉफिट्स बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं अभी हम देख भी लेते हैं यहां पर मैंने लिखा भी है बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं लेट से फॉर एग्जाम्पल हमने बुक प्रॉफिट कैलकुलेट किया लेट सेवन लाख रुपीज तो सेवन लाख के दो पार्ट कीजिए फर्स्ट थ्री लाख को अलग कर लीजिए और रिमेनिंग को अलग कर लीजिए रिमेनिंग बचा कितना फोर लाख एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं आपके जितने भी बुक प्रॉफिट आ रहे हैं कैसे आते हैं अभी एक मिनट में देख लेते हैं लेट से आपके बुक प्रॉफिट आते हैं नाइन लाख रुपीज नाइन लाख के बुक प्रॉफिट आए फर्स्ट थ्री लाख को अलग कर लीजिए फर्स्ट थ्री लाख को अलग कर लीजिए और बाकी का बैलेंस कितना बचा सिक्स लाख उसको अलग देखिए ठीक है तो लिखा हुआ है अप टू फर्स्ट थ्री लाख ऑफ बुक प्रॉफिट जो आपके फर्स्ट थ्री लाख ऑफ बुक प्रॉफिट हैं उसका नाइनटी परसेंट तक अलाउड है दो लाख सत्तर हजार रुपए और वन लाख फिफ्टी थाउजेंड विच एवर इज हायर इन दोनों में से विच एवर इज हायर विच एवर इज हायर ये 150 कैसे आया वन yeah, फिफ्टी तो फिक्स लिमिट है बट सर ये तो हमेशा 270 आएगा नहीं आएगा फॉर एग्जाम्पल अगर बुक प्रॉफिट ही लेट से बुक प्रॉफिट ही वन लाख रुपीज आते हैं ठीक है लेट से बुक प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया वो वन लाख आया अब वन लाख में से फर्स्ट थ्री लाख को अलग करना है बट फर्स्ट थ्री लाख आप अलग कर ही नहीं पाएंगे बिकॉज ये बुक प्रॉफिट ही वन लाख है तो आप सिर्फ वन लाख को अलग कर पाएंगे रिमेनिंग तो जीरो है पक्का क्योंकि हमें फर्स्ट थ्री लाख को अलग करना था बट यार फर्स्ट थ्री लाख होना भी तो चाहिए ना देर इज नो थ्री लाख सिर्फ बुक प्रॉफिट वन लाख है तो ठीक है भाई हमें तीन लाख अलग करने थे बट मैक्सिमम एक लाख ही अलग कर पाएंगे और बाकी का जो तो जीरो आ गया अब वन लाख का नाइनटी परसेंट वन लाख का बुक प्रॉफिट्स का नाइनटी परसेंट वन लाख का नाइनटी परसेंट आएगा नाइन्टी थाउजेंड रुपीज और वन फिफ्टी विच इज हायर तो आया वन फिफ्टी विच इज हायर इज वन फिफ्टी तो हम वन लाख फिफ्टी थाउजेंड तक की रेमंड्रेशन दे सकते हैं सब प्रॉफिट से एक लाख एक लाख पचास हजार की रेमड्रेशन दे दी तो लॉस आ जाएगा आने दीजिए लॉस ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इतना हम अलाउ कर सकते हैं या फिर फॉर एग्जाम्पल आपके बुक प्रॉफिट्स 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 आपके बुक बुक फॉर जीरो आते हैं से आया अब मैं हमेशा क्या, क्या कह रहा हूं कि बुक प्रॉफिट्स में से तीन लाख को अलग कीजिए और बाकी रिमेनिंग को अलग कीजिए बट लेट से बुक प्रॉफिट्स ही है सर इसका थ्री शुरू का थ्री लाख भी तो जीरो ही आएगा और बैलेंस भी जीरो ही आएगा बिकॉज दिस इज ऑल टूगेदर इज जीरो ठीक ठीक है थीक है कोई बात नहीं

थ्री लाख अलग करने थे थ्री लाख पॉजिटिव इनकम अलग करनी थी बट थ्री लाख को हम अलग ही नहीं कर पाए क्यों सर तो नेगेटिव टू लाख ही है तो इन्होंने कहा कि इन केस ऑफ लॉस भी अगर लॉस भी है तो नाइनटी परसेंट ऑफ बुक नाइन ऑफ बुक प्रॉफिट तो वैसे ही नेगेटिव जा रहा है तो उसका 90 तो कुछ हो नहीं सकता है तो 150 या 90 profits, higher, 150, तो या ऑफ बुक एवर इज हायर मैं ने कहा कि एक लाख पचास हजार की रेमुनरेशन तो आप दे ही सकते हैं ठीक है सबको ये बात समझ में आ गई कितनी रेमुनरेशन दे सकते हैं अगेन रिपीटिंग बुक प्रॉफिट लेट से फाइव लाख आया है तो फाइव लाख में से फर्स्ट थ्री लाख को अलग कीजिए फर्स्ट थ्री लाख को अलग कीजिए रिमेनिंग को अलग कीजिए ठीक है फर्स्ट थ्री लाख में से लेना है नाइनटी परसेंट ऑफ बुक प्रॉफिट यानी कि थ्री लाख का नाइनटी परसेंट टू लाख सेवेंटी थाउजेंड और वन फिफ्टी विच एवर इज हायर तो टू सेवेंटी आ गया से 270 आया और जो बैलेंस बुक प्रॉफिट्स बचे हैं उसका 60 तो 2 लाख फिफ्टी थाउजेंड और नाइनटी तो ,00 परसेंट और जो जितना भी बैलेंस बुक प्रॉफिट है उसका सिक्सटी परसेंट जितना भी बैलेंस बुक प्रॉफिट है उसका सिक्सटी परसेंट की रेमुनरेशन आप दे सकते हैं किसको दे सकते हैं ओनली टू वर्किंग पार्टनर्स नॉन वर्किंग पार्टनर्स को नहीं बट सर ये बुक प्रॉफिट्स निकलता कैसे है बहुत आसान है बुक प्रॉफिट्स निकालना सबसे पहले जब आपके पास पीजीबीपी पीएनएल अकाउंट दिया गया हो पीएनएल अकाउंट दिया गया हो फर्म का तो इससे बुक प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं सबसे पहले आप पीजीबीपी की इनकम निकाल दीजिए सबसे पहले आप पीजीबीपी की इनकम निकाल दीजिए और रेमुनरेशन या इंटरेस्ट जो जो भी पार्टनर को पैसे दिए गए हैं उसको डिसअलाउ करिए उसको डिसअलाउ करिए सर करिएसेंट भी अलाउ करेंगे अभी कुछ नहीं करें अभी पूरा का पूरा डिसअलाउ कर दीजिएगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये पी एन एल अकाउंट दिया गया एक पार्टनरशिप फर्म का यहां पर लिखा हुआ है टू परचेजेस यहां पर लिखा हुआ है टू सैलरी ऑफ टू इंप्लॉयिज सैलरी इंप्लॉइज को दी गई यहां पर लिखा हुआ है टू डेप्रिसिएशन से डेशन की मैं भी वैल्यू भी लिख रहा हूँ एक लाख मैं कुछ और समझाना भी चाह रहा हूँ आपको से की वैल्यू एक लाख यहां पर लिख दी है और यहां पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया यहाँ, पे लिखा partners, amount, यहाँ पर लिखा हुआ है सैलरी टू पार्टनर्स इतना अमाउंट और यहां पर नेट प्रॉफिट आ रहा है ठीक है दिस इज द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट और यहां पर आपको सेल्स वगैरह इनकम दी गई है ठीक है एक टिपिकल पी एन एल अकाउंट मैंने बना दिया है सबसे पहले यू नीड टू कैलकुलेट बुक प्रॉफिट हमें बुक प्रॉफिट चाहिए ठीक है बुक प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आप इस पी एन एल अकाउंट में से सबसे पहले एक नॉर्मली पीजीबीपी इनकम निकाल दीजिए नॉर्मली जैसे कि इंडिविजुअल के निकालते हैं पीजीबीपी की इनकम या फिर मैं ऐसा बोलूं कि जितना भी पार्टनर्स को पैसे दिए गए हैं उसको भी डिसअलाउ डिसअलाउ कीजिएगा उसको भी कीजिएगा तो हम पीजीबीपी इनकम कैसे निकालेंगे नेट प्रॉफिट लेंगे बेस लेंगे अब प्लीज मुझे बताइए पीजीबीपी अगर नॉर्मल निकालते नॉर्मली पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़िए नॉर्मली निकालिए अलाउड होता है कि हाँ सर थर्टी सेवन में अलाउड होता है परचेजेस करना पक्का

तो आप क्या करेंगे मैंने क्या कहा पीजीबीपी इनकम निकालिए तो आपको पता है कि डिप्रिसिएशन अलाउड होता है 32 में बट एक्चुअली वो 32 के अकॉर्डिंग तो कंप्यूट होना चाहिए बट 32 टू के अकॉर्डिंग क्या वन लाख कंप्यूटेड है या सेवेंटी फाइव थाउजेंड है उसके सेवेंटी फाइव थाउजेंड है ठीक है तो आप क्या करें इसमें से पच्चीस हजार डिस कर दीजिएगा या फिर एक काम कीजिए एक लाख डिसअलाउ कीजिए सेवेंटी अलाउ कीजिए कुल मिला के पच्चीस हजार होने वाला है ठीक है मैं क्या आपको सिखा रहा हूं कि बुक प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं सबसे पहले आप नॉर्मली पीजीवी भी, भी निकाल दीजिए ठीक है जैसे आप के प्रोविजन निकालते थे बट पार्टनर्स को अगर कुछ भी पैसा दिया गया है चाहे वो इंटरेस्ट का हो रेमेशन का हो कमीशन हो सैलरी हो टू पार्टनर्स वो सब डिसअलाउ कर दीजिएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स है सैलरी टू पार्टनर्स है ये दोनों डिसअलाउ कर दीजिएगा ये दोनों को डिसअलाउ कर दीजिएगा मतलब बैक कर दीजिएगा तो इस नेट प्रॉफिट में ये जो आपका नेट प्रॉफिट है इसमें क्या क्या बैक हुआ एक तो डेप्रिसिए पच्चीस हजार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स सैलरी टू पार्टनर्स भी एड बैक हो गया ठीक है तो ये आपके पास आ गया पीजीबीपी ऑफ़ फ़र्म बिफोर पार्टनर्स रेमोनरेशन या इंटरेस्ट ठीक है बिफोर पार्टनर्स रेमोनर या इंटरेस्ट ये आपका अमाउंट आ गया कोई ठीक क्लियर हो गया दोबारा से रिपीट करूं आपने नेट प्रॉफिट लिया एक्सपेंसिस देखे कहां कहां पर सही है कहां कहां पर गलत है जो भी गलत एक्सपेंसेस थे, थे वो आपने ऐड बैक किए जैसे डेप्रिसिएशन वन लाख लिखा था बट सही सेवेंटी फाइव थाउजेंड था तो आपने पांच हजार ट्वेंटी फाइव थाउजेंड को एडबैक कर दिया पार्टनर्स को जो भी पैसा दिया चाहे वो इंटरेस्ट का हो सर वो ट्वेल्व परसेंट तक भी होगा अरे अभी ऐड बैक कीजिए सब कुछ ऐड बैक कीजिए ये भी ऐड बैक कीजिए ये भी ऐड बैक कीजिए आपके पी जी भी फॉर्म आ जाएगा बिफोर पार्टनर्स रेमुनरेशन या इंटरेस्ट ठीक है ये जो अमाउंट आया इसमें से आप लेस कीजिए जितना इंटरेस्ट तो पार्टनर्स अलाउड होता है जितना पार्टनर्स को इंटरेस्ट अलाउड होता है कितना अलाउड होता है जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है बट मैक्सिमम 12% तक तो जितना भी अलाउड आपने कर रहे हैं उतना आप माइनस कर लीजिएगा रेमुनरेशन माइनस नहीं करना है अभी सिर्फ इंटरेस्ट ओनली इंटरेस्ट इंटरेस्ट माइनस कर दीजिएगा एंड दिस वुड बी योर बुक प्रॉफिट्स ये आपके इसको कहते हैं बुक प्रॉफिट्स अब इस बुक प्रॉफिट का शुरू का तीन लाख लेना है रिमेनिंग अमाउंट लेना है शुरू के तीन लाख का नाइनटी परसेंट और वन लाख फिफ्टी थाउजेंड विच एवर और बाकी रिमेनिंग का सिक्सटी परसेंट ठीक है क्लियर हो गया इस तरीके से बुक प्रॉफिट आते हैं तो मैंने यहां पर लिखा भी है हाउ टू कैलकुलेट बुक प्रॉफिट बुक प्रॉफिट को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आप पी इनकम निकाल देंगे विदाउट एनी इंटरेस्ट विदाउट एनी इंटरेस्ट

फर्म का प्रॉफिट कितना होता है जितना भी आपने बुक प्रॉफिट्स निकाले हैं उसमें से रेमंडरेशन माइनस कर दीजिएगा ये पीजीपीपी ऑफ द फर्म होती है ठीक है सबको क्लियर हो गया सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन फोर्टी स्मॉल बी रेमेशन टू पार्टनर्स आगे चले अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैंने कहा कि फोर्टी के बाद में जितने भी सेक्शन बोलूंगा सभी इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन फोर्टी एट टू होता है कि जब आप किसी रिलेटेड पर्सन को एक्सेस पेमेंट कर देते हैं अनरिजनेबल पेमेंट कर देते हैं सो द एक्सेस पेमेंट विच यू हैव मेड जितना आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया दैट इज डिसउड सो इट एनी एक्सेस और अनरिजनेबल पेमेंट टू अ रिलेटेड पर्सन अभी रिलेटेड पर्सन कौन होता है ये जानना जरूरी रहेगा अगर असैसी इंडिविजुअल है तो उसके रिलेटिव जो उसके रिश्तेदार हैं वो उसके रिलेटेड पर्सन रहेंगे रिलेटिव में कौन कौन आता है स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल सिबलिंगस सिबलिंग्स मतलब ब्रदर या सिस्टर लीनियर असेंडेंट या लीनियर डिसेंडेंट असेंडेंट मतलब होता है पहले मतलब बाद में तो लीनियर लीनियल का मतलब होता है, line, एक लाइन ड्रॉ की जाए फॉर एग्जाम्पल देर इज एन इंडिविजुअल अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो इनसे ऊपर कौन आते हैं इनके पेरेंट्स दैट इज लीनियर असेंडेंट ठीक है तो इनके पेरेंट्स इनके ग्रांड पेरेंट्स और डिसेंडेंट का मतलब होता है इंडिविजुअल के सन या डॉटर या ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर्स ये लोग लीनियर डिसेंडेंट हैं ठीक है थीके? तो ये सब लोग हमारे रिलेटिव की डेफिनेशन में आएगा यानी कि अगर हमने कोई भी पेमेंट की है इंडिविजुअल ने अपने स्पाउस को पेमेंट की है दे आर डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट इट डजेंट मैटर ठीक है तो यहां पर अगर आपने स्पाउस को पेमेंट की है या सिबलिंगस को ब्रदर या सिस्टर को पेमेंट की है लीनियर असेंडेंट या डिसेंडेंट पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन को पेमेंट की है तो देखना पेमेंट कर सकते हैं नो डाउट पेमेंट कर सकते हैं बट एक्सेसिव पेमेंट ना करें ज्यादा खर्चे ना दिखाएं तो जितना एक्स्ट्रा पेमेंट की गई है दैट इज डिउड पार्टनरशिप फर्म के लिए रिलेटेड पर्सन कौन होगा उस, उनके पार्टनर्स तो अगर आप फर्म ने कोई ट्रांजैक्शन किया अपने पार्टनर्स के साथ तो देखा जाएगा कहीं एक्सेसिव तो नहीं है या फिर पार्टनर के जो रिलेटिव है यानी कि पार्टनर फॉर एग्जाम्पल फर्म ने पार्टनर के साथ पेमेंट की है आल्सो रिलेटेड पार्टी फर्म ने पार्टनर के सन के साथ पेमेंट की है तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इसी तरीके से एच यू एफ ने अपने मेंबर्स के साथ आ, कोई ट्रांजेक्शन की है या एओपी ने मेंबर्स के साथ या उनके रिलेटिव के साथ कंपनी में कंपनी ने कोई ट्रांजेक्शन की है डायरेक्टर के साथ या डायरेक्टर के रिलेटिव के साथ तो भी अलाउड होगा क्या शेयर होल्डर के साथ अलाउड होगा शेयर होल्डर के साथ रिलेटेड पार्टी तब माना जाएगा अगर वो शेयर होल्डर सब्सटैंशियल ओनर हो यानी कि 20 परसेंट या मोर उसकी ओनरशिप हो तब हम रिल, रिलेटेड पार्टी मानेंगे अब ऐसे नहीं कि ऑल शेयर आर रिलेटेड नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना फॉर एग्जाम्पल रिलायंस Uh, का शेयर मेरे पास है ठीक है लेट से आई हैव वन वन शेयर शेयर ऑफ ऑफ रिलायंस रिलायंस जस्ट से तो क्या मैं रिलायंस का रिलेटेड पार्टी हो जाता हूँ ना आंसर इज नो मैं रिलेटेड पार्टी नहीं हूँ उस केस में यानी कि रिलेटेड पार्टी के लिए अगर ओनर है तो आप सब्सटैंशियल इंटरेस्ट आपका होना चाहिए ट्वेंटी और मोर अगर आपके पास ओनरशिप है तो अगर हम आपके साथ ट्रांजेक्शन करें तो रिलेटेड पार्टी माना जाएगा या फिर जिसका सबस्टैंशियल इंटरेस्ट है उसके किसी रिलेटिव के साथ यानी कि ऐसे शेयर होल्डर फॉर एग्जाम्पल अगर रिलायंस मुकेश अंबानी के साथ ट्रांजेक्शन करें तो दैट इज रिलेटेड पार्टी या फिर मिस्टर मुकेश अंबानी के रिलेटिव स्पाउस सिबलिंग सीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट के साथ ट्रांजेक्शन की जाए तब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मानी जाती है पेमेंट अलाउड है बट एक्सेस में नहीं होने चाहिए अनरीजनेबल नहीं होने चाहिए दिस फोर्टी ए टू वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 40 कैपिटल ए टू नेक्स्ट सेक्शन अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है फोर्टी ए थ्री फोर्टी ए थ्री कहता है कि एक दिन में अगर आपको कैश पेमेंट करनी है किसी भी सिंगल पार्टी को तो टेन तो थाउजेंड रुपीज से ज्यादा नहीं करेंगे तक कर सकते हैं अगर टेन थाउजेंड से ज्यादा पेमेंट की तो पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा लेट से हमने ग्यारह हजार की पेमेंट की है तो क्या ऐसा है सर दस हजार अलाओ, अलाओ है एक हजार डिस है नो फिर पूरा का पूरा इलेवन थाउजेंड डिस हो जाएगा यानी कि किसी भी पार्टी को अगर आप पेमेंट किसी भी एक सिंगल पर्सन को आप पेमेंट कर रहे हैं ठीक है अलग अलग लोगों को पेमेंट कर रहे हैं पांच हजार पांच हजार पांच हजार अलग अलग लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी सिंगल पर्सन को अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो टेन अलाउ नहीं होगी और दोनों। भी अगर आपने किया तो हम उसके ऊपर कोई डिडक्शन नहीं देने वाले हैं, वो अलाउड नहीं होगी कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा तो टेन थाउजेंड की पेमेंट नहीं करनी है कैश में मत करना बेरर चेक से मत करिएगा बेरर चेक इज एज गुड एज कैश या फिर क्रॉस चेक से क्रॉस चेक अकाउंट पे चेक नहीं क्रॉस चेक क्रॉस चेक मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है आप किसी और को भी इंडोर्स कर सकते हो ऐसे चेक तो ऐसे चेक अलाउड नहीं है कैसा चेक होना चाहिए इट शुड बी एन अकाउंट पे चेक अकाउंट पे ही चेक मतलब बैंकिंग ट्रांजेक्शन होनी चाहिए जहां पर आप सीधा पैसा उन्हीं के अकाउंट में जाता है जिनको आप पैसे पेमेंट करते हैं तो आप अकाउंट पे चेक से कीजिए अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट से कीजिए नेट बैंकिंग के थ्रू कीजिए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ई वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं आप बट कैश में पेमेंट नहीं करनी है और बेरर चेक और क्रॉस चेक भी पता नहीं चलता कि इसके अकाउंट में पैसे जाएंगे तो यहां पर भी आपको पेमेंट नहीं करनी है ऐसे ठीक है ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स को अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करना है तो वहां पर थर्टी फाइव थाउजेंड तक अलाउड है तो एक एक्सेप्शन हो जाती है इसकी कि ट्रांसपोर्टर को आप एक दिन में थर्टी फाइव थाउजेंड तक दे सकते हैं थर्टी फाइव थाउजेंड से ज़्यादा देने हो तो प्लीज़ फिर तो आप अदर देन कैश कीजिएगा ठीक है तो कैसे कर सकते हैं अकाउंट पे चेक अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ईसीएस के थ्रू कर सकते हैं आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं यूपीआई वॉलेट भीम वगैरह इन सबसे के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं अच्छा कुछ एक्सेप्शन हैं कि इन लोगों को आप पेमेंट कर सकते हैं अगर दस हजार से भी ज्यादा करना चाहें तो अच्छा एक चीज होती थी बैंक हॉलीडे वाले दिन अब वो बैंक हॉलीडे ऐसा सच नहीं रहा है ठीक है वो डिलीट हो गया है तो अब बैंक हॉलीडे वाले दिन भी आप ई पेमेंट कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है आप भीम कर दीजिए यूपीआई यूज़ कीजिए तो वो बैंक हॉलिडे वाली बातें अब खत्म हो गई हैं बाकी एक्सेप्शन पुरानी जैसी ही हैं अगर आप बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं या बैंकिंग कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं अगर आप एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट प्रोड्यूस खरीदने के लिए फिश या फिश प्रोडक्ट्स मीट या मीट प्रोडक्ट्स एटसेट्रा ऐसी चीज़ों के लिए पेमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स मेड विदाउट पार यानी कि कोई ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं हैंडीक्राफ्ट जैसी चीज़ें खरीद रहे हैं जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के बनती है तो आप उस जगह पर पेमेंट कर सकते हैं किसी ऐसे विलेज में आपको पेमेंट करनी पड़ रही है जहां पर कोई बैंकिंग सर्विसेज नहीं है वहां पर कोई बैंक नहीं है तो आप यहाँ पर भी पेमेंट कर सकते हैं किसी एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हैं जब वो जा रहा है छोड़कर टर्मिनेट हो रहा है या रिटायरमेंट के टाइम पर तो फिफ्टी थाउजेंड तक उसको आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर

अगर ये अप्रूव्ड फंड में जा रहा है पैसा ग्रेटी अप्रूव्ड फंड में जा रहा है तो अलाउड है अनअप्रूव्ड में जा रहा है तो प्लीज इसको अलाउ मत खींचेगा ठीक है फोर्टी ए टू और फोर्टी ए थ्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोर्टी ए सेवन ठीक ठीक है ओके डीम बिजनेस इनकम फोर्टी वन देखो फोर्टी वन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि सेक्शन ट्वेंटी एट होता है पीजीवी पी इनकम और बिल्कुल 28 के ही नेचर का है 41, 41 डीम्ड बिजनेस इनकम कुछ ऐसी इनकम जो आपके अगर फॉर एग्जांपल उस ईयर बिजनेस नहीं भी चल रहा है ना और ऐसी इनकम हो गई तो भी ये बिजनेस इनकम मानी जाती है ठीक है जैसे कि बेड डेट्स रिकवर्ड ठीक है जो पहले कभी बेड डेट्स अलाउ हुए थे आपका खर्चा माना गया था कभी ना कभी पहले और अब ये डेट्स वापस रिकवर हो गए देखिए पहले आपने इसकी डिडक्शन ली थी ठीक है बेड डेट्स बेड डेट्स अलाउड होता है सेक्शन 36 में और अब ये रिकवर हो गए हैं दिस डेट्स रिकवर्ड इज योर इनकम माना जाएगा हाँ अगर पहले ये अलाउड ही नहीं किया गया था पहले आपने कोई डिडक्शन नहीं ली थी तो अगर ये रिकवर हो रहे हैं तो आपकी इनकम नहीं होगी क्योंकि ली नहीं थी इस बेडेट्स की बट इफ द डिडक्शन वॉज वर अलाउड अर्लियर और फिर ये ऐसे बेडडेट्स रिकवर होते हैं तो दैट बिकम्स योर डीन बिजनेस इनकम या सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी से खत्म होना अगर आपकी कोई बिजनेस की लाइबिलिटी थी और वो वो डिलीट हो गई है खत्म हो गई है ट्रेडिंग लाइबिलिटी का मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से परचेस किया था उधार ठीक है क्रेडिट पर परचेस किया था आपने एंट्री क्या की होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स दिस इज द एंट्री विच यू हैव मेड क्रेडिटर्स को आपने क्रेडिट कर लिया पैसे दिए नहीं बट आपने परचेज तो कर लिया परचेज अलाउड है क्या हाँ अलाउड है फॉर एग्जाम्पल टू लाख रुपीज की परचेज थी परचेज की आपने अभी पैसे नहीं दिए तो कोई बात नहीं मर्केंटाइल सिस्टम हम लोग फॉलो फॉलो करते हैं परचेज अलाउड है टू लाख रुपीज़ का बट आपने क्रेडिटर्स को पैसे नहीं दिए एक साल नहीं दिए दो साल नहीं दिए तीन साल नहीं दिए चार साल नहीं दिए और चार साल तक आपने उसको पैसे नहीं दिए वो बेचारा मांगते मांगते परेशान हो गया बट आपने पैसे नहीं दिए और अल्टीमेटली उसने आना बंद कर दिया उसने पूछना भी बंद कर दिया अपने पैसे और फिर आपने ये अपनी लाइबिलिटी को अपने अकाउंट से हटा लिया ठीक है इसको कहते हैं सेसेशन ऑफ एनी ट्रेडिंग लाइबिलिटी आपकी कोई लाइबिलिटी थी खत्म हो गई स्टॉप हो गई डिलीट हो गई वहां से ठीक है आपने कर दी क्योंकि अब आप, आप पैसे नहीं देंगे अब प्लीज मुझे बताइए आपकी कोई लाइबिलिटी थी और दो लाख का खर्चा आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके थे पहले जब आपने परचेजेस की थी अब अब इसका कोई आपने एक्सपेंस किया नहीं है तो इट बिकम्स योर डीम्ड बिजनेस इनकम तो जैसे ही आपकी ट्रेडिंग लाइबिलिटी खत्म होती है तो इट बिकम्स योर इनकम अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं बिना पैसे पे किए आपने इसको राइट ऑफ कर दिया ठीक है और ये बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पावर जनरेटिंग का असेट जब आप बेचते हैं ठीक है या फिर साइंटिफिक रिसर्च का असेट बेचते हैं टेलीकॉम लाइसेंस सी एम स्टूडेंट्स और सी स्टूडेंट्स ने पढ़ा था तो मैंने सेम नंबर लाइन बनाई थी कि रिटर्न डाउन वैल्यू से जब ज्यादा का बिकता है ओरिजिनल कॉस्ट तो ये इनकम आपकी बिजनेस इनकम मानी जाती है दैट इज सेक्शन फोर्टी डीन बिजनेस इनकम ठीक है ओके सेक्शन 43 बी रेफरेंस काफ़ी बार आ चुका है मैंने कहा था कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन रहता है ये पीजीबीपी का 43 बी कुछ एक्सपेंसेस अलाउड हैं ओनली व्हेन दे आर एक्चुअली पेड एक्चुअली पे करें उसको प्रीवियस ईयर में या फिर आर की ड्यू डेट तक भी कर दें तो ये अलाउ एक्सपेंसिस रहते हैं ठीक है इसमें से हम कुछ एक्सपेंसिस देख चुके हैं किसी भी तरह का टैक्स येस अगर आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं वो अलाउड होता है जैसे म्यूनिस्पल टैक्सेस हमने पढ़े सेक्शन थर्टी में या आप इनडायरेक्ट टैक्सेस आप जीएसटी या कस्टम्स ड्यूटी पे करते हैं तो अलाउड होता है सब्जेक्ट टू फोर्टी थ्री बी वो आपके पेमेंट हो जानी चाहिए या फिर बोनस या कमीशन हमने पढ़ा सेक्शन थर्टी सिक्स में इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिक्नाइज प्रोविडेंट फंड या पेंशन स्कीम तो ऐसी बात है अगर आप इनको पेमेंट करते हैं तो आपका ड्यू डेट तक आप इसकी पेमेंट कर दीजिएगा तो एनी टाइप ऑफ टैक्स पेबल टू तो गवर्नमेंट बोनस या कमीशन अगर आप पे करें इंटरेस्ट टू एनी बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो बैंक को इंटरेस्ट पे करना सेक्शन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंटरेस्ट पे करना थर्टी सिक्स में अलाउड होता है थर्टी सिक्स में इट इज अलाउड अलाउडी सिक्स कहते हैं कि आप इसको पे कर सकते हैं बट एक्चुअली अगर आपने किसी बैंक से ये लोन लिया है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है तो इट शुड बी पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ आर ओ आई ठीक है तभी अलाउड होता है अगर आपने एनबीएफसी से लोन लिया है ठीक है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन लिया है अगर आपको इंटरेस्ट पे करना है तो इनको प्लीज पे कर दीजिएगा तभी अलाउड होगा ठीक है है इस इसके ऊपर लगता बट स्पेसिफिकली उस एनबीएफसी के ऊपर जिसके पास असेट फाइव हंड्रेड करोड़ से ज्यादा के हैं ठीक है ऐसी एनबीएफसी के ऊपर आई एम अगेन रिपीटिंग अगर आपने बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है तो इट इज अलाउड अंडर सेक्शन थर्टी सिक्स टू फोर्टी थ्री बी फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी और से लोन लिया है ठीक है मेरा एक बिजनेस है तो मैंने अपने किसी दोस्त से लोन ले लिया क्या मैं लोन ले सकता हूं हां ले सकते हैं क्या वो बैंक है नहीं क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है नहीं ठीक है अगर मैंने किसी और से लोन लिया है उसको मैं इंटरेस्ट पे करूंगा तो ये भी सेक्शन थर्टी सिक्स में कवर्ड होता है अब ध्यान दीजिएगा क्या सब्जेक्ट टू फोर्टी थ्री भी द आंसर इज नो क्या सारे इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू फोर्टी थ्री भी है नहीं सिर्फ कौन से हैं जो बैंक से लिया गया इंटरेस्ट अगर जब आप देते हैं बैंक को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया था तो ये दोनों सब्जेक्ट फोर्टी थ्री भी होते हैं अगर मैंने किसी प्राइवेट पार्टी से लिया है किसी अपने दोस्त या रिलेटिव से लिया है तो अगर मैंने पे भी नहीं किया है तो इट इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस ठीक है बट एनबीएफसी जिसके पास असेट 500 करोड़ से ज्यादा हैं तो ये 43 बी में आएगा अगर किसी के पास असेट्स 500 करोड़ से कम है एनबीएफसी के लिए 500 करोड़ से कम है तो उनके ऊपर कोई 43 बी नहीं लगेगा यानी कि अगर आपने पेमेंट नहीं भी की है तो ये ऐसे ही माना जाएगा जैसे कि हमने किसी प्राइवेट फैक्ट्री से लोन लिया है अलाउड है ड्यू बेसिस पर ठीक है सब लोग समझ के बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है पे करोगे तभी अलाउड है एनबीएफसी का पे करोगे या नहीं करोगे अलाउड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता डिपेंड करता है कि उसके पास असेट्स कितने हैं ठीक है पांच सौ करोड़ या उससे ज्यादा के हैं तो वो बैंक की तरह बिहेव करेगा या पांच सौ करोड़ से कम के हैं तो वो प्राइवेट पर्सन की तरह बिहेव करेगा ठीक है पेमेंट ऑफ लीव सैलरी जब आप लीव पढ़ते हैं ना हम लोग हमारी सैलरी में पढ़ते हैं कि हमारे पास लीव इकट्ठी हो जाती हैं फिर उसके पैसे हमें मिलते हैं तो अगर कंपनी ने ये पेमेंट उनकी कंपनी के लिए तो एक्सपेंस है ना बिकॉज दे आर पेइंग टू द वो अपने को पे कर रहे हैं उनके लीव के बदले उनको पैसे दिए जा रहे हैं तो ये तभी अलाउड होगा कंपनी का खर्चा माना जाएगा जब ये एक्चुअली पे हुआ हो और लास्ट है अगर आप इंडियन रेलवेज को पेमेंट कर रहे हो क्यों पेमेंट करती हैं कुछ कंपनीज इंडियन रेलवेज को क्योंकि वो रेलवे के असेट्स यूज करते हैं स्पेसिफिकली अगर मैं बातें करता हूं कि कुछ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ठीक है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से एसीसी सीमेंट हो गया तो आ, ये लोग क्या करते हैं इनके फैक्ट्रीज बनी होती हैं, इनकी साइट पर काफी ज्यादा डिस्टेंट लोकेशन पर बनी होती हैं, और इनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये रेलवे की मदद लेते हैं और रेलवे के एसेट्स यूज करते हैं इनके लिए अलग से रेलवे लाइन वगैरह ले की जाती हैं तो उसके लिए ये पेमेंट करते हैं रेलवे को तो अगर इन्होंने रेलवे को एक्चुअल पेमेंट कर दी है तभी अलाउड है अभी पेमेंट नहीं की है तो अलाउड नहीं होगा सो दिस इज इंपॉर्टेंट फोर्टी थ्री बी नेक्स्ट सेक्शन है फोर्टी थ्री सी ए फोर्टी थ्री सी ए और आपको पता होगा कि हम लोग कैपिटल गेन में पढ़ते हैं फिफ्टी सी रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन का वो तो ये फिफ्टी सी या फोर्टी थ्री सी ए में दोनों में सेम प्रोविजन है जब कभी भी आप अपनी लैंड या बिल्डिंग ठीक है लैंड और बिल्डिंग और बोथ जब आप बेचते हैं तो जब भी आप बेचे इट शुड नॉट बी लेस देन स्टेंप वैल्यू स्टेम्प वैल्यू से कम ये अलाउड नहीं होता आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने इसको स्टेम वैल्यू से भी कम का बेचा है अगर चाहे आप इसको एज एन इन्वेस्टमेंट की तरह बेच रहे कैपिटल गेन आएगा तो फिफ्टी सी के प्रोविजन लगेंगे या फिर एज अ स्टॉक इन ट्रेड बेचे तो फोर्टी थ्री सी आएगा पीजीबीपी के प्रोविजन लगेंगे बट कभी भी अगर आप लैंड या बिल्डिंग बेच रहे हैं तो स्टेम्प वैल्यू से कम की नहीं हम कंसिडर करेंगे ठीक है इट शुड बी मिनिमम स्टेम्प वैल्यू बट हां कितना वेरिएशन हम ले सकते हैं अगर स्टेम्प वैल्यू से कम भी हम कर रहे हैं तो कितना अलाउड था पहले पांच परसेंट हुआ करता था बट अब अमेंडमेंट आने के बाद टेन परसेंट है तो आप लोग टेन परसेंट यूज करेंगे यानी कि टेन परसेंट तक का वेरिएशन अलाउड है अगर आपका स्टेम्प वैल्यू से 10 परसेंट भी कम आ रहा है एक्चुअल सेलिंग प्राइस उस केस में हम एक्चुअल सेलिंग प्राइस ले सकते हैं बट अगर 10 परसेंट से ज्यादा का भी ज्यादा डिफरेंस हो फिर तो हम स्टेंट वैल्यू ही लेंगे और स्टैंप वैल्यू कब की लेनी होती है जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं क्या पुरानी स्टेंप वैल्यू भी ले सकते हैं अगर हमने पहले से एग्रीमेंट किया हो याद आती है बातें ठीक है प्रायर डेट का एग्रीमेंट हो सर पहले हमने एग्रीमेंट कराया था ठीक है उस समय ये घर बन रहा था बाद में ये घर बना चार पाँच छह साल के बाद तो क्या अब की स्टैंप फेल्यू लेनी है पुरानी ले सकते हैं तो पुरानी ले सकते हैं अगर आप प्रूफ कर पाए कि आपने पुराना एग्रीमेंट था और आपने कुछ ना कुछ कंसिडरेशन बैंकिंग फॉर्म में दी हो बैंकिंग फॉर्म मतलब आपने कोई अकाउंट पे चेक दिया हो कुछ बैंक में उसके पैसे दिए हो जिससे आप प्रूफ कर सकें कि ये घर मैंने पहले से खरीदा हुआ था इसकी रजिस्ट्रेशन तो अब हो रहा है ठीक है तो अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि पुराना एक एग्रीमेंट था या फिर और उसके साथ साथ आपने कुछ इसकी पेमेंट भी की थी से आप खरीद रहे हैं उसको आपने पेमेंट की थी अदर देन कैश तो हम पुराना स्टेम वैल्यू भी ले सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात है 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 सी सी और दोनों के सेम ठीक एक बार रिवाइज कर लें हमने क्या क्या किया है यहां पर फोर्टी बी रेमड्रेशन टू पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है सभी पार्टनर्स को बट जितना पार्टनरशिप डीट कहती है बट अगर पार्टनरशिप डीट 12 परसेंट से ज्यादा बोले तो 12 परसेंट तक ही कीजिएगा अदर जैसे कि सैलरी बोनस कमीशन भी आप पार्टनर्स को दे सकते हैं बट ओनली टू वर्किंग पार्टनर्स नॉन वर्किंग पार्टनर को देंगे तो अलाउड नहीं करेंगे ठीक है वर्किंग पार्टनर्स को दे सकते हैं कितना दे सकते हैं बुक प्रॉफिट्स पर डिपेंड करता है बुक प्रॉफिट्स में से फर्स्ट थ्री लाख पर जितना भी फर्स्ट थ्री लाख आ रहा है या अगर लॉस आ रहा है तो लॉस तो उसका नाइनटी परसेंट प्रॉफिट का नाइनटी परसेंट या फिर वन लाख फिफ्टी थाउजेंड विच एवर इज हायर और रिमेनिंग बुक प्रॉफिट का सिक्सटी तक आप दे सकते हैं पार्टनर्स को 482 टू रिलेटेड पर्सन को पेमेंट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है बट एक्सेसिव पेमेंट जितना एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे जितना एक्स्ट्रा करेंगे वो अलाउड नहीं रहे करेंगे फोर्टी ए थ्री दस हजार तक का आप कैश पेमेंट कर सकते हैं किसी सिंगल डे सिंगल पार्टी को अगर दस हजार से ज्यादा किया तो पूरा का पूरा डिसअलाउव कर देंगे बट जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन के पैसे देने हैं तो थर्टी फाइव थाउजेंड तक अलाउड हो सकता है कुछ एक्सेप्शन है इन लोगों को आप पेमेंट कर सकते हैं दस हजार से भी ज्यादा एक दिन में प्रोविजन फॉर ग्रेटुटी अलाउड है अगर ये ग्रट्युटी अप्रूव्ड फंड में पैसा जा रहा हो अप्रूव्ड ग्रेटुटी फंड होना चाहिए अनअप्रूव्ड होगा तो अलाउड नहीं है बिजनेस इनकम जैसे कि डेट्स रिकवर्ड हो जाते हैं या कोई आपकी िटी है उसको आप राइट ऑफ कर देते हैं तो आपकी डीन बिजनेस इनकम हो जाती है और ये सेक्शन 41 में चार्जेबल होगी और हमने कुछ ऐसी बातें भी की थी पावर जनरेटिंग यूनिट्स के एसेट्स बिकते हैं या फिर साइंटिफिक रिसर्च का एसेट बिकता है टेलीकॉम लाइसेंस बिकता है तो अप टू ओरिजिनल कॉस्ट जितना भी प्रॉफिट आता है अप टू ओरिजिनल कॉस्ट ये पीजीबीपी है ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर जाएगा तो फिर कैपिटल गेन की इनकम हो जाती है फोर्टी थ्री बी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दे आर सर्टन एक्सपेंसिस विच आर अलाउड ओनली ऑन पेमेंट बेसिस अगर आप इसकी पेमेंट करेंगे तभी अलाउड है यहां पर एक पॉइंट में से हो गया है मैं बाद में इसको ठीक कर दूंगा एक पॉइंट है इम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज प्रूडेंट फंड या पेंशन स्कीम ठीक है तो यहां पर इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑल दो हमने ये सेक्शन थर्टी सिक्स में लिख लिया था ना थर्टी सिक्स में ये लिखा था फोर्टी थ्री बी ये फोर्टी थ्री बी में और आएगा ठीक है फोर्टी थ्री सी ए रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन आप जब कभी भी बेचें तो स्टेप वैल्यू से कम की वैल्यू ना बताएं मिनिमम हम स्टेप वैल्यू तो लेंगे ही लेंगे ठीक है बट हाँ कितनी वेरिएशन अलाउड टेन परसेंट तक आप ले सकते हैं अच्छा वैल्यू कब है रजिस्ट्रेशन डेट की क्या पुरानी एग्रीमेंट डेट की भी ले सकते हैं हाजी प्रूव कर दीजिए कि पहले से आपने ये घर खरीदा था कैसे प्रूव करेंगे आपके पास एग्रीमेंट होगा साथ साथ में आप ये भी प्रूव करें सिर्फ एग्रीमेंट होने से काम नहीं चलेगा कुछ ना कुछ पैसे कुछ ना कुछ पैसे आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल चालीस लाख का घर है पचास लाख का घर है अरे एक दो लाख रुपए तो दिए होंगे ना आपने जब घर खरीदा होगा तो वो कैश में ना दिए हो आपको बैंकिंग मोड के थ्रू दिए हो तो हम आपकी पुरानी स्टैम्प वैल्यू भी कंसिडर कर सकते हैं ठीक है अब तो बिल्कुल हम लास्ट पोर्शन पर आ गए हैं पीजीवीपी में अगेन क्या बोलू इसको इंपॉर्टेंट ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है फोर्टी फोर डबल ए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसको मेंटेन करनी पड़ती है तो इसके लिए हम दो कैटेगरी बनाते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसको मेंटेन करनी पड़ेगी फर्स्ट कैटेगरी होती है जो लोग स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं सारे प्रोफेशनल स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स ठीक है मेडिकल प्रोफेशनल्स है मतलब डॉक्टर्स है लॉयर है चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी है कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं इंटीरियर डिजाइनर हैं आई प्रोफेशनल हैं फिल्म आर्टिस्ट हैं इन लोगों को स्पेसिफाइड प्रोफेशन कहा जाता है अगर इनका लास्ट थ्री ईयर का लास्ट थ्री ईयर का प्रीवियस ईयर से पहले के तीन साल का अगर इनकी ग्रॉस रेसेटेंड रुपीज से ज्यादा की थी ऑल थ्री इय तो इनको बुक्स ऑफ ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है स्पेसिफाइड बुक्स अदरवाइज इनको तो हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन करनी ही करनी है बट अगर आपका पिछले तीन साल का 1.5 लाख से ऊपर टर्नओवर जाता है ग्रॉस जाती है, तो आपको प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होगी एक बार पढ़े लोग नोटिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड है मतलब डॉक्टर्स इंजीनियर लॉयर्स सी एम एस सी एस आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर्स या फिल्म आर्टिस्ट आई प्रोफेशनल्स इन लोगों के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हमेशा करनी होगी हमेशा इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है ठीक है एवरी सर वो डेढ़ लाख भी नहीं देख रहा हैं इनको तो करनी ही करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन और हां अगर वो पिछले तीन साल की डेढ़ लाख की वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो इनको प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होगी तो अगर इनकी ग्रॉस मतलब इनका ओवर ऑल थ्री ईयर पिछले तीनों साल का वन पॉइंट फाइव लाख से एक्सीड कर जाता है तो इनको प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक है और सर अगर हमारा नया प्रोफेशन है पिछले तीन साल नहीं है तो फिर हम ये पूछेंगे आपसे कि आपका इस साल का टर्नओवर टर्नओवर इस साल की जो ग्रॉस ग्रॉस है है इनकम नहीं ओवर, जितने आपको फीस मिलती है, कि आपको जितनी इस साल फीस मिलती है क्या वो आपको लगता है कि डेढ़ लाख से ज्यादा मिलेगी जनरली आंसर इज यस हाँ सर मिलेगी डेढ़ लाख से ज्यादा तो भी आपको प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है सर अगर ये डेढ़ लाख वाली कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो तो तो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है बट अकाउंट नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट अगर ये 1.5 लाख की कंडीशन हो जाती है तो फिर आपको करनी होगी। में क्या कैश बुक जनरल लेजर जितने भी बिल आपने इशू किए हैं अगर वो पच्चीस रुपए से ज्यादा के हैं जितने भी बिल आपने इशू किए होंगे मतलब आपने कस्टमर्स को दिए होंगे तो ओरिजिनल कॉपी तो उनके पास होगी आपके पास कार्बन कॉपी होगी उसकी तो जितने भी बिल्स आपने इशू किए हैं ट्वेंटी फाइव रुपीज से अगर ज्यादा के हैं तो वो संभाल कर रखिएगा और जितने भी बिल आपने रिसीव करे हैं ठीक है वो आपके पास ओरिजिनल कॉपी होगी क्योंकि तो आप जहां से बिल आपको मिले हैं उनके लिए आप कस्टमर होंगे उन लोगों ने बिल आपको दिया होगा ओरिजिनल बिल होंगे आपके पास पचास रुपए से ज्यादा के सारे बिल आपको संभाल के रखने हैं छह साल तक छः साल तक आपको संभाल कर रखने पड़ेंगे और अगर आप मेडिकल प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं यानी कि डॉक्टर हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी एक तो डेली केस रजिस्टर जितने भी डेली पेशेंट्स आते हैं आपके पास उसकी समरी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी और जितनी भी आपके पास मेडिसिन हैं उनकी इन्वेंट्री डिटेल्स आपको मेंटेन करनी पड़ेगी तो ये था नोटिफाइड प्रोफेशनल्स के बारे में कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन सी मेंटेन करनी पड़ेगी हमेशा करनी पड़ती हैं वन लाख की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट बाकी लोग जो बचे इनके अलावा कौन लोग बचे बिजनेसमैन और अदर प्रोफेशनल अदर देन नोटिफाइड इसके अलावा भी तो बहुत सारे प्रोफेशनल होंगे ठीक है तो इनके अलावा जो दूसरे ऐसे ही बचते हैं तो वो बचते हैं बिजनेसमैन और अदर प्रोफेशनल्स तो इनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे यस yes या नो no? तो इनके लिए दोनों हो सकता है ठीक है हो सकता है कि ये बहुत छोटा बिजनेस है ठीक है बहुत ज्यादा छोटा बिजनेस है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है ठीक है नोटिफाइड प्रोफेशनल को तो हमेशा करने हैं तो इनको करने हैं या नहीं करने हैं तो डिपेंड करता है इनके इनकम के ऊपर या इनके टर्न के ऊपर दोबारा तो रिपीट कर रहा हूं किसके ऊपर डिपेंड करता है इन लोगों का इधर इनकम के ऊपर इनके पास दो कंडीशन देते हैं हम अगर या तो इनकम की कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तब आपको करने हैं या फिर टर्न की कंडीशन इधर ऑफ द टू ठीक है तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए बोला गया ठीक है जो लोग बिजनेसमैन हैं या अदर प्रोफेशनल हैं अगर वो इंडिविजुअल हैं फॉर एग्जांपल अगर वो कम अगर वो फर्म है एओपी है बीओ आए तो फिर अदर्स में आएगा ठीक तो है तो इंडिविजुअल और एचयूएफ इनकी इनकम दो लाख पचास हजार से ज्यादा है टू पॉइंट फाइव लाख को एक्सीड करती है तो इनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे कब की पिछले तीन साल में किसी भी साल की एनी वन ठीक है ऊपर था ऑल वहां पर लिखा था कि डेढ़ लाख पिछले तीनों साल में यहां पर लिखा हुआ है एनी ठीक है नी तो अगर आपकी इनकम पिछले तीन साल में से किसी भी एक साल की दो लाख पचास हजार से ज्यादा है और आप एक इंडिविजुअल है हैं हैं या तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे तो कोई कहते हैं सर नहीं मेरी तो तीनों साल की इनकम में से किसी भी साल की इनकम ढाई लाख से एक्सीड नहीं करती है तो फिर हम आपको टर्न की लिमिट चेक करेंगे यानी कि दो इनको यहां पर लिमिट सेटिस्फाई करनी पड़ेगी या तो दोनों में से कोई भी एक या तो इनकम

आप बिजनेसमैन हैं, बट आपका कोई बिजनेस है बट नॉट एज इंडिविजुअल नॉट एज एच यू एफ यानी कि एओपी बी ओ आई है फर्म है ठीक है कोई भी है अदर दैन इंडिव्यजुअल एच यू एफ तो उन लोगों के लिए इनकम 1.2 लाख से ज्यादा अगर पिछले तीनों साल में से किसी भी एक साल की 1.2 लाख सेम प्रोविजन है सिर्फ अमाउंट का डिफरेंस है यहां पे, पे, पे था 2.5 लाख यहां पे था 1.2, यहाँ पे यहां था 25 लाख यहाँ पे 10 लाख तो अगर पिछले तीन साल में से किसी भी एक साल का इनकम 1.2 लाख से ऊपर जाती है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे या फिर टर्नओवर अगर 10 लाख से ऊपर जाता है किसी भी इनकम नहीं जाती पर टर्नओवर जाता है या टर्नओवर नहीं जाता इनकम चली जाती है कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं नया बिजनेस है तो वन लाख से ज्यादा इनकम या टेन लाख से ज्यादा टर्न लाइकली टू एक्सीड इन द प्रीवियस ईयर ठीक है तो इन लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं और जो लोग प्रिजमटिव इनकम में आते हैं जैसे फोर्टी फोर ए डी आया फोर्टी फोर ए आया अगर वो अपने लोअर प्रॉफिट्स दिखाते हैं अगर उनके इन केस वो अपने लोअर प्रॉफिट्स दिखाते हैं जो प्रिजमटिव इनकम में बोले जाते हैं जैसे सिक्स परसेंट या एट परसेंट अभी हम पढ़ेंगे भी तो अगर आप उससे भी कम अपने प्रॉफिट्स दिखाते हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट भी करानी पड़ती हैं और फिर अकाउंट्स मेंटेन भी करने पड़ते हैं ठीक है तो पर्सन एलिजिबल फॉर प्रिजर्म इनकम बट डिक्लेयरिंग लोअर प्रॉफिट्स अगर वो कम प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं तो भी उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत आएगी ठीक है इंपॉर्टेंट सेक्शन था फोर्टी फोर डबल ए फोर्टी फोर ए बी ठीक है यहां पर टेक्स ऑडिट का पढ़ते हैं पहले इसमें एक अमेंडमेंट भी आई है तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन वैसे तो इंपॉर्टेंट था ही और ऊपर से और इंपॉर्टेंट हो गया सुपर इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज अमेंडमेंट आई है इसमें एक तो टैक्स ऑडिट के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वेदर यू आर अ बिजनेसमैन और यू आर अ प्रोफेशनल ठीक है वहां पहले अकाउंट्स में क्या किया था नोटिफाइड प्रोफेशनल्स की एक कैटेगरी बिजनेसमैन और अदर प्रोफेशनल्स की दूसरी कैटेगरी बट यहां पर टैक्स ऑडिट के लिए बिजनेसमैन को अलग करा गया प्रोफेशन को अलग करा गया किसी भी तरह का प्रोफेशन आपके लिए अलग क्राइटेरिया है पहले मैं प्रोफेशन का क्लियर कर देता हूं कि प्रोफेशनल्स को टैक्स ऑडिट कब कराना पड़ेगा अगर उनका टर्न ओवर अगर उनकी जो फीस रिसीव की है उन्होंने टर्न मतलब उनके लिए फीस बोल सकते हैं ग्रॉस रिसर्ट बोल सकते हैं अगर आपकी ग्रॉस रेसेट्स 50 लाख से एक्सीड करती है 50 लाख से ऊपर एक्सीड करती है प्रीवियस ईयर की प्रीवियस ईयर की क्योंकि तो ऑडिट कब कराना पड़ता है प्रीवियस ईयर के बाद ठीक है तो प्रीवियस ईयर का आप देख लीजिए अगर आपकी ग्रॉस रेसेट 50 लाख से ऊपर एक्सीड करती है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा ठीक है प्रोफेशन के लिए बिजनेस के लिए कब ऑडिट कराना पड़ेगा एक करोड़ से एक करोड़ पुरानी बातें थी अभी भी हैं ठीक है अगर आपका बिजनेस है और आपका टर्नओवर ओवर एक करोड़ को एक्सीड करता है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा अब यहां पर चेंजेस क्या आए हैं अगर आप बिजनेसमैन हैं, बट आपकी मैक्सिमम जितनी भी आप ट्रांजेक्शन करते, है, करते हैं वो बैंकिंग मोड के थ्रू करते हैं ठीक है वो बैंकिंग कैश में नहीं करते आप ठीक है मैक्सिमम 95 से भी ज्यादा ट्रांजेक्शन अगर आप बैंकिंग मोड के थ्रू करते हैं तो आपके लिए अब टर्न लिमिट टैक्स ऑडिट के लिए टर्न की लिमिट पांच करोड़ कर दी गई है ठीक है तो अब क्या हो गया ठीक है बिजनेस असेसी विद कैश ट्रांजेक्शन अगर पांच परसेंट से ज्यादा की जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन होती है कैश ट्रांजेक्शन मतलब कैश कैश रिसिट्स और कैश पेमेंट जितना भी आपको पैसे मिलते हैं किसी भी फॉर्म में मिले सेल करी आपने तो पैसे मिले फॉर uh, एग्जाम्पल अगर आपने असेट्स बेच दिए तो भी पैसे मिले ऑल कैश रिसेट जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपने स्टॉक बेचा वो कैश लिया जाएगा एवरी जितना भी आपको जब पैसे मिलते हैं ठीक है तो जितने भी पैसे मिले आप ये देखिए कि उसमें से कैश का कंपोनेंट कितना था या जितनी भी आपने पेमेंट की है पूरे साल में जितनी भी पेमेंट करी है तो उसमें ये बताइए कि आपने कैश में कितनी पेमेंट की है तो कैश ऑल कैश रिसेट्स ऑल कैश पेमेंट अगर वो पांच परसेंट जो कैश में ट्रांजेक्शन है अगर वो पांच परसेंट से ज्यादा है तो आपके लिए फिर एक करोड़ की लिमिट है बट अगर आपकी मैक्सिमम ट्रांजेक्शन बैंकिंग मोड से हैं ठीक है पांच परसेंट से भी कम आपकी कैश ट्रांजेक्शन होती हैं तो यहां पर तो तो देखिए गवर्नमेंट क्या चाहती है डिजिटल इकोनॉमी करना ठीक है सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएं तो अगर एक ऐसा ऐसी है जिसकी मैक्सिमम ट्रांजैक्शन बैंकिंग मोड के थ्रू हो रही है सिर्फ कैश में होती है मैक्सिमम पांच परसेंट तक ठीक है पांच परसेंट से ज्यादा नहीं होती है तो इन लोगों के लिए ऑडिट कराने के लिए बोल दिया गया कि अगर आपका टर्न ओवर करोड़ तक भी है तो ऑडिट कराने की आपको जरूरत नहीं है हाँ अगर पांच करोड़ को एक्सीड करता है तब ऑडिट कराने की जरूरत आएगी ठीक है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी कैश में जो ट्रांजेक्शन हुई है इधर कैश रिसेट और कैश पेमेंट ठीक है बोथ अगर पांच परसेंट से भी ज्यादा है तो आपके लिए एक करोड़ की लिमिट है बट अगर आपकी कैश ट्रांजेक्शन बहुत कम है ठीक है बहुत कम है तो हम आपके लिए पांच करोड़ की लिमिट कर रहे हैं ठीक है हाँ बट याद रखिएगा हम लोग अभी प्रिजमटिव इनकम पढ़ेंगे फोर्टी फोर एडी फोर्टी फोर एडी में क्या देखते हैं कि अगर कोई भी बिजनेस जो स्मॉल बिजनेस आते हैं यहां पर ठीक है छोटे छोटे बिजनेस आते हैं वो लोग अपना एट परसेंट ऑफ टर्न ओवर या सिक्स परसेंट के हिसाब से इनकम बनाते हैं अपनी और वहां पर क्या लिखा गया है कि इनको फिर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है और फोर्टी फोर एडी के लिए टर्न ओवर की मैक्सिमम लिमिट कितनी है दो करोड़ ठीक है वहां के लिए दो करोड़ है तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है एक करोड़ अब कॉन्ट्रोडिक्शन आ गया ठीक है क्योंकि 44 एडी में जो प्रेजमटिव इनकम में आते हैं लोग यहाँ पर जो प्रेजमटिव इनकम में आते हैं लोग इनके लिए टर्न ओवर दो करोड़ है और लिखा गया है वहाँ पर 44 एडी में कि आपको ऑडिट कराने की भी जरूरत नहीं है तो अगर कोई भी व्यक्ति ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल उसका टर्न ओवर करोड़ है या वन करोड़ है और वो 44 फोर में आना चाहता है और 44 फोर के अकॉर्डिंग अपनी कंप्यूटेशन कर रहा है उस केस में फिर उसकी ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी उस केस में उसकी ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी क्योंकि तो यहां पर तो दो करोड़ तक की प्रोविजन आते हैं बट अगर वो 44 फोर फॉलो uh, नहीं कर रहा है और उसका टर्न ओवर करोड़ से ऊपर है तो फिर तो ऑडिट कराना पड़ेगा सब लोग समझ गए तो ये बात मैंने यहां पर लिखी है कि एस ऑप्टिंग फोर्टी फोर जो फोर्टी फोर ऑप्ट करते हैं तो इनका टर्न ओवर करोड़ तक होता है तो उसके लिए ऑडिट कराने की जरूरत नहीं रहेगी बट जो लोग फोर्टी फोर एडी ऑप्ट नहीं करते हैं वो लोग तो एक करोड़ के बाद ही ऑडिट कराएंगे हाँ कैश में ट्रांजेक्शन बहुत कम है तो पांच करोड़ के बाद ठीक है दोनों सेक्शन आप लोग समझ गए फोर्टी फोर डबल ए बुक्स ऑफ अकाउंट फोर्टी फोर ए बी ऑडिट का इनफैक्ट ये पूरा चार्ट ही यहां पर ये पूरा पेज फोर्टी फोर डबल ए ए बी ए डी एडी ए और ये दोनों सेक्शन सी एम ए और सी एस के लिए ये सभी सेक्शन इम्पॉर्टेंट सेक्शन एग्रीकल्चर इनकम के बारे में भी मैंने दिया हुआ है ये पूरा पेज यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा पिछला वाला पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट था ठीक है? Okay. 44 AD, ठीक है 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 ओके इनकम इनकम क्या होती एजम्शन बेसिस पर तो ये ऐसे लोगों को दिया गया जो बहुत ज्यादा बड़ा लार्ज स्केल पे बिजनेस नहीं करते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने बोला कि ठीक है आपको अकाउंट्स मेंटेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है और अपना प्रिजम्टिव बेसिस पर आप अपना

अगर आपका 8 परसेंट आ रहा है तो 92 परसेंट आपके एक्सपेंस मानेगा जितनी भी आपकी सेल होती है 92 एक्सपेंस मान लो एट परसेंट से ज्यादा भी मान सकते हैं मिनिमम हाँ, 8 है. 8 है से से कम कम नहीं अगर 8 से कम बोलोगे तो फिर तो अकाउंट्स बनाइए ऑडिट कराइए ठीक है, है। थीके? तो किसको मिलता है फोर्टी फोर एडी अगर आप एक इंडिविजुअल है या एच यू एफ है या पार्टनरशिप फॉर्म है तब आप फोर्टी फोर एडी ले सकते हैं तो क्या एक कंपनी क्वेश्चन ये आया फोर्टी फोर एडी ले सकती है आंसर इज नो क्या एल एल पी फोर एडी ले सकती है द आंसर इज स्टिल नो पार्टनरशिप फर्म अदर देन एल एल पी क्या रेसिडेंट ले द आंसर इज नो कौन लेगा रेसिडेंट इंडिविजुअल अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं रेसिडेंट रेसिडेंट या फर्म है तो अभी हम आपके लिए एक एक सुविधा दे रहे हैं आपको एक फैसिलिटी दे रहे हैं दैट यू कैन कंप्यूट योर इनकम ऑन प्रिजम्प्टिव बेसिस कितना एट परसेंट और बैंकिंग जितना आपने बैंकिंग के थ्रू कराए उसका सिक्स परसेंट फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का टर्न ओवर वन पॉइंट टू करोड़ है दो करोड़ तक यहां पर हम ले सकते हैं अगर किसी का वन पॉइंट टू करोड़ है जिसमें से लेट सेवेंटी लाख बैंकिंग मोड से है और बाकी का कितना बचा फिफ्टी लाख ठीक है बाकी का फिफ्टी लाख कैश के थ्रू सेल की है तो सेवेंटी लाख का तो सिक्स परसेंट आएगा ठीक है और 50 लाख का 8 परसेंट आएगा ऐसा नहीं कि सब सबके ऊपर सब no. किस किस के कौन लोग ये अडॉप्ट नहीं कर सकते रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट नहीं कर सकता रेसिडेंट ही करेगा इंडिविजुअल एच और फर्म कर सकते हैं एल और कंपनी नहीं करेंगे ठीक है इसके अलावा भी जो लोग स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स हैं वो लोग यहाँ पर कवर्ड नहीं हो उनके लिए तो अलग सेक्शन बना होता है का 44 ADA, अभी पढ़ लेते हैं मिनट के बाद ठीक है अगर कोई है जिसकी इनकम होती है कमीशन बेसिस पर उसकी कमीशन से इनकम आती है या ब्रोकरेज से इनकम आती है उसका एजेंसी बिजनेस है ये लोग फोर्टी फोर एडी नहीं ले सकते हैं जिन लोगों का काम है गुड्स कैरिंग व्हीकल लीजिंग प्लाइंग कैरिंग ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल इनके लिए अलग सेक्शन बना हुआ है पर आप लोग जानते हैं साढ़े सात हजार रुपए पर मंथ पर व्हीकल या फिर अगर गुड्स व्हीकल है तो वन पर पर तरन, पर मंथ टन व्हीकल के हिसाब से यानी कि कुल मिला के इनके लिए अलग सेक्शन बना हुआ है ठीक है और जो लोग सेक्शन टेन डबल ए या चैप्टर सिक्स ए की प्रॉफिट लिंक डिडक्शन लेते हैं वो लोग भी फोर्टी फोर ए डी में नहीं आ सकते हैं टेन डबल ए एसड यूनिट्स लेता है प्रॉफिट लिंक डिडक्शन ठीक है एटी आई आई वाली सीरीज सी ए इंटर के कोर्स में तो नहीं है बट सीएमए और सी एस वाले बच्चे करते हैं इसको ठीक है याद रहेगा फोर्टी फोर एडी किस बारे में प्रिजम्प्टिव इनकम के बारे में टर्न ओवर मैक्सिमम कितना दो करोड़ नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगा ठीक है कंपनी को नहीं मिलेगा एल एल पी को नहीं मिलेगा कमीशन से इनकम आती है ब्रोकरेज से आती है एजेंसी बिजनेस से नहीं मिलेगा सर ठीक है बाकी लोगों को मिल जाएगा कितना मिलेगा टर्न कितनी इनकम मानेंगे 8% या 6% जितना भी टर्नओवर आपका हुआ है अगर वो 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं है तो अगर वो कैश में टर्नओवर हुआ तो 8% इनकम मानी जाएगी और अगर वो नॉन बैंकिंग के थ्रू आपका टर्नओवर हुआ है तो 6% इनकम मानी जाएगी दोनों के थ्रू हुआ तो कोई बात नहीं अलग-अलग कीजिए किसी का एक पोर्शन का 8% एक पोर्शन का 6% ठीक है 44एडीए प्रिजम्प्टिव इनकम प्रोफेशनल्स के लिए ठीक है प्रोफेशनल्स के लिए जो लोग स्पेसिफाइड प्रोफेशनल होते हैं मेडिकल प्रोफेशनल चार्ट अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरीज ठीक है आर्किटेक्ट वगैरह इनके लिए प्रेजेंटिव इनकम ले सकते हैं अगर इनकी टोटल जितनी भी इन्होंने फीस रिसीव की है पचास लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पचास लाख से ज्यादा ना हो ठीक है और कितना ले सकते हैं प्रेजेंटिव इनकम फिफ्टी परसेंट जितना भी इनको फीस रिसिप्ट मिली है उसका फिफ्टी परसेंट आधी एक्सपेंसि आधी इनकम माने जाएगा जिन लोगों का 44 फोर एई अगेन प्रेजम्टिव प्रेजम्टिव ये तीनों सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए 44 फोर ए गुड्स कैरिंग वेहीकल ठीक है किसको मिलेगा अगर एस के पास दस से ज्यादा व्हीकल हैं किसी भी समय ठीक है हो सकता है साल के शुरू में दस से कम हो साल के एंड में दस से कम हो बट साल के बीच में कहीं पर ग्यारह व्हीकल बारह व्हीकल तेरह व्हीकल हो गए किसी भी एक दिन भी अगर ग्यारह बारह तेरह हो गए मतलब दस से ज्यादा हो गए आपको नहीं मिलेगा ये पूरे साल में आपके पास किसी भी दिन किसी भी समय 10 व्हीकल से ज्यादा हो गए 44 फोर ए आप नहीं ले सकते यानी कि ये उन लोगों के को मिलेगा जिनके पास ज्यादा ट्रक्स वगैरह नहीं होते हैं तो मोर देन 10 व्हीकल्स नहीं होने चाहिए किसी भी ईयर में तो आपको मिल सकता है कैसे कंप्यूट करेंगे इनकम डिपेंड करता है, है व्हीकल है या लाइट गुड्स व्हीकल है ठीक है मीडियम uh, गुड्स भी अदर व्हीकल में आएगा ये हैवी और लाइट गुड्स व्हीकल की डेफिनेशन क्या है अगर किसी भी व्हीकल का वेट 12 टन से ज्यादा होता है तो उसको हैवी गुड्स व्हीकल बोला जाता है ले लेंगे तो अदर व्हीकल का निकालना है साढ़े सात हजार पर मंथ पर ये मानेंगे कि एक व्हीकल आपका साढ़े सात हजार रुपए अर्न करता है सारे एक्सपेंसिस कुछ नहीं देखेंगे फिर एक व्हीकल साढ़े सात हजार रुपए अर्न करता है जितना भी आप ओन करते हैं सर मेरा व्हीकल तो चला ही नहीं सर कोई बात नहीं आप ओनर है जितना भी आप ओन करते हैं व्हीकल्स उसका पर मंथ का हम इनकम मानेंगे सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर व्हीकल सर अगर मेरे पास व्हीकल ग्यारह महीने दो दिन भी रहा तो पार्ट ऑफ द मंथ को भी फुल मंथ माना जाएगा ठीक है पार्ट ऑफ द मंथ को भी फुल मंथ माना जाएगा ठीक है साढ़े सात हजार फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर ईच व्हीकल पार्ट ऑफ द मंथ को भी फुल मंथ मानिएगा ठीक है तो फिर ग्यारह महीने दो दिन रहा तो बारह महीने ही माना जाएगा इन केस ये येवी गुड्स व्हीकल है गुड्स व्हीकल का मतलब है, तो है जिसका वेट 12 टन से ज्यादा है 12000 किलो से ज्यादा है या 12 टन से ज्यादा है तो हर टन के लिए वन थाउजेंड रुपीज पर मंथ की इनकम मानी जाएगी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई हैवी गुड्स व्हीकल है पंद्रह टन का तो वो हैवी गुड्स व्हीकल की कैटेगरी में आ गया पंद्रह टन का तो इसकी इनकम कितनी मानी जाएगी वन पर टन वन पर टन का मतलब हो गया पंद्रह हजार ठीक है फॉर एक्साम्पल एक फोर्टीन टन का व्हीकल है तो इसकी इनकम कितनी आएगी फोर्टीन थाउजेंड रुपीज ठीक है तो वन थाउजेंड पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पार्ट ऑफ द मंथ सब लोग समझ गए होंगे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये व्हीकल था सर सात महीने बीस दिन तो आठ महीने में आना चाहिएगा। मतलब हमेशा राउंड ऑफ करिएगा नेक्स्ट नंबर पर क्लियर है अगेन रिपीटिंग ए डी फोर्टी फोर एडी फोर्टी फोर ए बहुत ज्यादा फेवरेट रहते हैं एग्जामिनर के अब ये दो छोटे छोटे सेक्शन और हैं ये सी ए इंटर के कोर्स में नहीं है बट सी एम ए और सी एस स्टूडेंट इसको करेंगे फोर्टी फोर बी और फोर्टी फोर बी बी ए को अगेन दे आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन किसके लिए है ये नॉन रेसिडेंट्स के लिए ठीक है दोनों सेक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर हैं नॉन रेसिडेंट जो लोग शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं ठीक है कोई बाहर की शिपिंग बिजनेस है वो लोग आ, इंडिया सामान लेकर आते हैं या पैसेंजर्स लेकर आते हैं या इंडिया से जाते हैं और उनकी इनकम होती है फोर्टी फोर बी बी ए किसके लिए होता है एयरक्राफ्ट बिजनेस के लिए एयर प्लेन uh, में ठीक है कोई नॉन रेसिडेंट एयरक्राफ्ट कंपनी है या फिर कोई भी नॉन रेसिडेंट का एयरक्राफ्ट का बिजनेस है उन लोगों के लिए सेक्शन रहेगा तो इनकी कौन सी इनकम इंडियन कौन सी इनकम के ऊपर इनको टैक्स देना पड़ेगा जो इनकम इंडिया को बिलोंग करती है उस इनकम के ऊपर कौन सी इनकम इंडिया को बिलोंग करेगी कोई भी इनकम अगर इंडिया में रिसीव होती है कोई भी इनकम इनकी इंडिया में रिसीव हुई अराइज कहीं पर भी हुई हो बट अगर वो इंडिया में रिसीव होती है तो उस इनकम के ऊपर इनको टैक्स देना पड़ेगा और दूसरा अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहां पर लेट से ठीक है ये इंडिया है यहां पर यूएस है इंडिया से फॉर एग्जांपल ये इंडियन पोर्ट है ठीक है ये इंडियन पोर्ट है ये यूएस है अगर इंडिया से जब शिप जा रहा है इंडिया से जब ये शिप है ठीक है ये शिप है ये जा रहा है यहां से इंडियन पोर्ट से जब ये जाता है तो इसके पैसे कहीं पर भी मिले यानी कि इंडियन पोर्ट से जब आप जाते हैं इस शिप में चाहे फॉरनर्स बैठे हुए हों या इंडियंस बैठे हुए हों गुड्स हों ठीक है एनिमल्स हो इसमें इस तो जितना भी फ्रेट चार्ज किया जाता है वो पैसा कहीं पर भी रिसीव हो पर इसको इंडिया में अराइज माना जाएगा यानी कि जब इंडियन पोर्ट से आप जाते हैं ठीक है इंडियन पोर्ट छोड़ के जाते हैं तो ऐसी इनकम के ऊपर भी आपको टैक्स देना है फॉर एग्जाम्पल अगर यूएस से शिप आ रहा है ठीक है यूएस से शिप आ रहा है यहां से शिप आ रहा है तो वो इनकम इंडिया में अराइज नहीं मानी जाती क्या उसके ऊपर टैक्स देना है द आंसर इज नो हा बट अगर उसके पैसे इंडिया में रिसीव हो जाए फर्स्ट टाइम रिसीव हो जाए तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा ठीक है तो आपको कौन कौन सी इनकम देखनी है कौन कौन सी अमाउंट को कंसिडर करना है जो जब आप इंडिया से गए शिपिंग के केस में इंडियन पोर्ट से गए या एयरक्राफ्ट के केस में इंडियन एयरपोर्ट से इंडियन एयरपोर्ट से जब आप जाते हैं इसमें पैसेंजर्स जा रहे हैं इसमें गुड्स जा रहे हैं इसमें एनिमल्स जा रहे हैं ठीक है तो जब इंडियन पोर्ट से आप जाते हैं तो ऐसी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी और दूसरी अगर आप बाहर से आते हैं तो वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए बट अगर वो रिसीव हो जाती है डायरेक्टली इंडिया में तो भी आप टैक्सेबल करेंगे ठीक है तो आपको ऐसी इनकम को कंसिडर करना है और शिपिंग के केस में ऐसा जितना भी फ्रेट आपने कलेक्ट किया जितना भी आपने किराया कलेक्ट किया किराया इनकम होती है क्या नहीं किराए के बाद आपके खर्चे भी बहुत सारे होंगे ठीक है यहां पर ट्रांसपोर्ट के काफी ज्यादा खर्चे होंगे तो बेसिस पे हमने मान प्रिजमटि मान आपका सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऐसे फ्रेट का 7.5 परसेंट इनकम मानी जाएगी इनकम मानी जाएगी ठीक है उस इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा शिपिंग बिजनेस है तो 7.5 परसेंट और एयरक्राफ्ट बिजनेस है तो 5 परसेंट ठीक है तो लिखा हुआ है नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस जितना भी अमाउंट रिसीव होता है इंडिया में या फिर अमाउंट रिसीव कहीं पर भी हो बट जर्नी कहां से शुरू हुई थी इंडियन पोर्ट से इंडियन पोर्ट से जर्नी शुरू हुई थी तो ऐसी इनकम भी हो. तो ये आपको दोनों फ्रेट लेने हैं शिपिंग है तो उसका 7.5 परसेंट और एयरलाइंस बिजनेस है तो 5 परसेंट ठीक है एयरलाइंस में थोड़े खर्चे ज्यादा होते हैं तो इनकम कम कर दी गई तो यहां पर कितने खर्चे माने गए 92.5 ठीक है मैंने माइनस कर दिया बैलेंसिंग फिगर 100 में से 7.5 इनकम तो 92.5 पर 5 परसेंट इनकम तो खर्चे कितने होइएगा ये, ये याद रखिएगा एग्रीकल्चर इनकम पर सब लोगों के लिए है सभी स्टूडेंट्स के लिए सीए इंटर सीएमए इंटर सीएस एग्जीक्यूटिव सबके लिए है ठीक है एग्रीकल्चर इनकम आपको पता है एग्जेट होती है बट कुछ लोग कंपोजिट इनकम उनकी आ रही है मतलब कि उनका एक पॉइंट तक तो एग्रीकल्चर है फिर उसके बाद नॉन एग्रीकल्चर है फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का कॉफी या टी या रबर बेचने का बिजनेस है तो आप देखो टी कैसे बनती है पहले गार्डन्स टी गार्डन होते हैं वहां पर आ, प्लांट होता है उसकी लीव्स प्लग की जाती हैं ठीक है जब तक लीव्स वगैरह प्लग की गई जब तक एग्रीकल्चर ऑपरेशन उसके बाद वो लीव्स फैक्ट्री में लाई जाती है फिर उसको प्रोसेस होती है फिर टी बनती है जो हम लोग अपने घर में यूज करते हैं ठीक बट दैट इज अ प्रोसेस्ड टी ठीक है वो तो बिजनेस ऑपरेशन हो गए अब प्लीज बताइए फॉर एग्जाम्पल एक कोई कंपनी लेट से टाटा टी ठीक है टाटा टी वालों के लिए उनके, लिए उनके लिए उनके पास अपने गार्डन्स भी हैं ठीक है टी के चाय के बागान हैं उनके पास और उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट तक तो उनका बिजनेस ये बिजनेस एग्रीकल्चर माना जाएगा और उसके बाद ये बिजनेस माना जाएगा तो टी बेचने का तो क्या है इनकी पूरी, पूरी इनका है? No. इसको करना पड़ेगा बिटवीन एग्रीकल्चर एंड हैसेस के लिए हमें ऑलरेडी रूल्स दिए गए हैं जैसे रबर बिजनेस के लिए ठीक है रबर बिजनेस के लिए जितना भी आपके प्रॉफिट आते हैं उसका थर्टी फाइव बिजनेस माना जाएगा सिक्सटी जाएगा परसेंट तो एक्म होगा थर्टी फाइव जितना भी आपके प्रॉफिट है फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का दस लाख का प्रॉफिट आया है तो उसमें से थ्री पॉइंट फाइव लाख के प्रॉफिट को बिजनेस इनकम मानते हुए इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे और सिक्स पॉइंट फाइव लाख को एग्जाम कर देंगे ठीक है टी का बिजनेस है तो फोर्टी परसेंट बिजनेस सिक्सटी परसेंट एग्रीकल्चर प्लीज आप याद करना पड़ेगा आपको ये बात पर एक हिंट मैं दे, दे देता हूं जो ज्यादा परसेंटेज है ना वो एग्रीकल्चर की तरफ है जो कम परसेंटेज है देखो थर्टी फाइव 65 ज़्यादा एग्रीकल्चर की तरफ 25-75 ज्यादा एग्रीकल्चर की तरफ, ठीक है 40-60 ज्यादा एग्रीकल्चर की तरफ ठीक है तो रबर में 35-65, टी में 40-60, कॉफी में कॉफी में दो चीजें हैं मतलब आप कितना प्रोसेस करते हैं वो डिपेंड करता है अगर आप सिर्फ कॉफी को ग्रो करते हैं और क्योर करते हैं बस इतना ही काम करते हैं तो 25 परसेंट बिजनेस 75 परसेंट एग्रीकल्चर बट अगर आप बिजनेस ऑपरेशंस और ज्यादा करते हैं उसमें कॉफी ग्रो करते हैं क्योर करने के बाद रोस्टेड और ग्राउंडेड भी करते हैं आप इसको पूरा पाउडर वगैरह बना देते हैं इसका कॉफी पाउडर जिसको हम बोलते हैं तो फिर बिजनेस में फिर आप ज्यादा हो रहा है इंडस्ट्री वाला पोर्शन ज्यादा हो गया तो फोर्टी परसेंट फिर बिजनेस सिक्सटी परसेंट एग्रीकल्चर ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट क्लियर हो गया तो इस तरीके से आप एग्रीकल्चर इनकम निकालेंगे एक और चीज बता दो इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो कंपोजिट है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप, आपकी शुगर की फैक्ट्री है शुगर केन शुगर केन आपके खुद के फील्ड भी हैं खेत भी हैं जहां पर शुगर केन आपका ग्रो होता है उसके बाद वो शुगर केन आपकी फैक्ट्री में लाके प्रोसेस होता है तो शुगर जब आपने बेची तो सेम इसी तरह की बातें हो गई एक पोर्शन बिजनेस एक पोर्शन एग्रीकल्चर तो शुगर के लिए कितना लेना है या फिर एक और एग्जाम्पल ले दो मैंगो जूस फॉर एग्जाम्पल आप फ्रूट ही है ठीक है आपके आम ठीक है मैंगो के आपके पास गार्डन्स हैं ठीक है वहां से मैंगो प्लग किए जाते हैं फिर वो आपकी फैक्ट्री में लाए जाते हैं फिर उसका मैंगो जूस बनाया जाता है तो ऐसी इनकम भी तो कंपोजिट इनकम होती है सर उसके बारे में कैसे करेंगे क्योंकि यहां पर तो सिर्फ कॉफी यहां पे सॉरी कॉफी रबर और टी के बारे में ही बातें दी गई हैं बाकी चीजों का कैसे करना है तो बहुत सिंपल है कैसे करेंगे उसके लिए कोई परसेंटेज तो नहीं दी गई बट हाँ उसके लिए आपको एक तरीका बता दिया गया है और वो तरीका बहुत आसान है लेट से सबको समझ में आ रहा है ना ये बातें ये आपका पीएनएल अकाउंट है चलो मैं मैंगो वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैंगो जूस आप बेचते हैं तो ये आपकी बाय सेल्स ये सेल क्या करते होंगे ये सेल करते हैं मैंगो जूस आप सेल करते हैं से लाख ,00 की आपकी सेल होती है खर्चे कौन से होते होंगे ठीक है मैंने कहा कि आपके एग्रीकल्चर ऑपरेशंस भी होते हैं तो आपके कुछ फार्मिंग के ऑपरेशंस भी होते होंगे कल्टीवेशन एक्सपेंसेस कल्टीवेशन एक्सपेंसिस मतलब ये आपके फार्म पर होते होंगे जब आपने यहां पर मैंगो ट्री या मैंगो से प्लग मैंगो ट्री से प्लग किए वहां पर आम आपने प्लग किए तो कल्टीवेशन एक्सपेंसेस होते, होते, होते हैं लेट से आपके दो लाख और आपके इंडस्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके फैक्ट्री में एक्सपेंसेस होते हैं फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं लेट से आपके कितना ले लू फाइव लाख चलिए और नेट प्रॉफिट आ रहा है आपका कितना हुआ थ्री लाख चलिए तीन लाख का आपका प्रॉफिट आ रहा है पक्का अब प्लीज बताइए इस तीन लाख में से क्या ये पूरा का पूरा बिजनेस है या, या कंपोजिट प्रॉफिट है कंपोजिट प्रॉफिट है ठीक है इट इंक्लूड्स योर एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर तो इसको कैसे अलग करेंगे जैसे अगर ये टी होता टी का अगर ये बिजनेस होता तो मैं सीधा बोल देता कि इस प्रॉफिट का फोर्टी परसेंट बिजनेस का मान लीजिए सिक्सटी परसेंट एग्रीकल्चर मान लीजिए क्योंकि उसका परसेंटेज मालूम है हमें बट अब मैंगो जूस का या शुगर का जैसे मैंने आपको बिजनेस बताया तो उसके लिए हमें परसेंटेज गिवन नहीं है तो हम कैसे करेंगे तो बहुत ईजी है आप इस पीएनएल के ना दो पार्ट करिए ठीक है बहुत ज्यादा आसान है एक मिनट के अंदर देखिए हो जाएगा इस पीएनएल के मैं दो पार्ट कर रहा हूं पीएनएल वन और पीएनएल टू ये पीएनएल एग्रीकल्चर का मान लेते हैं और ये पीएनएल आपकी फैक्ट्री का यह बिजनेस का मान लेते हैं ठीक है अब इसी पीएनएल को देखिए आप और मैं इसी के दो पार्ट कर रहा हूं चलिए यहां से शुरू करता हूं सेल्स सेल किस चीज की करी सर जूस की करी अब जूस कहां पर बिका एग्रीकल्चर या बिजनेस बिजनेस में आएगा तो मैं यहां पर सेल्स ये टेन लाख को यहां पर लिख लेता हूं बाय सेल्स ध्यान से देख लीजिएगा आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा बाय सेल्स टेन लाख ठीक है इसको ले लिया हमने और क्या मिला कल्टीवेशन एक्सपेंसेस मुझे बताइए कल्टीवेशन एक्सपेंसेस ये दो लाख के एक्सपेंसेस में कहां पर लिखूं पीएनएल एग्रीकल्चर में या पीएनएल बिजनेस में सर कल्टीवेशन एक्सपेंस तो एग्रीकल्चर में लिखिए ठीक है तो इस दो लाख को मैं यहां पर लिख लेता हूं टू कल्टीवेशन एक्सपेंसेस दो लाख ठीक है ये भी लिख लिया हमने ये भी लिख लिया हमने ओके अब फैक्ट्री के एक्सपेंसेस पांच लाख सर सिंपल है फैक्ट्री के एक्सपेंसेज यहां पर आ जाएंगे ठीक है यहां पर मैंने फैक्ट्री के एक्सपेंसेस लिख लिए फाइव लाख ठीक है सब कुछ लिख लिया सर ये प्रॉफिट रहेगा अगर प्रॉफिट की तो बातें कर रहे हैं स्प्लिट करने के लिए तो हमने बाकी सब कुछ लिख लिया है अब क्या करें अब देखिए यहां पर सेल्स आ रहे दस लाख का ये क्या, क्या था मैंगो जूस यहां पर एक्सपेंसेस आ रहे हैं अब प्लीज बताइए आपके एग्रीकल्चर में एक्सपेंसेस क्यों करते हैं सर यहां से हमने मैंगो ग्रो किया होगा फिर मैंगो को हमने यहां पर लेकर आए होंगे पक्का तो मैं कह सकता हूं जो मैंगोज है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जूस आई एम टॉकिंग अबाउट मैंगोज मैंगोज तो यहां के लिए सेल्स है और यहां के लिए परचेज है पक्का ठीक है यहां के लिए सेल्स यहां के लिए परचेज अब पता किया गया कि दो लाख का खर्चा हुआ हमारे मैंगो बनाने में ठीक है मैंगो ग्रो करने में अगर इसको बेचते अगर फॉर एग्जाम्पल ये बिजनेस ये फैक्ट्री अगर मैंगो कहीं से खरीदता या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां से अगर मैंगो बिकते तो वो कितने के बिकते मतलब मार्केट वैल्यू क्या होती मैंगो की तो लेट से यहां पर मार्केट वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी तो लेट से यहां से जब मैंगो बिके तो उसकी मार्केट वैल्यू थी तीन लाख ठीक है सर यहां पर आ गया बाय सेल्स तीन लाख ये एक्चुअल सेल्स नहीं हुई डीम्ड सेल मानी गई ठीक है डीम्ड सेल तीन लाख के मैंगो बिकते यहां से तीन लाख के मैंगो बिकते तो यहां पर हम तीन लाख के मैंगो खरीदते पक्का यहां की सेल यहाँ की परचेस क्योंकि मैंगो जूस बनाने के लिए तो मैंगो चाहिए होंगे तो हमने ये तीन मतलब ये लाख डीम्ड वैल्यू 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 ली मतलब फेयर मार्केट हमें गिवन होगी बस अब हमारा आंसर आ गया अब प्लीज बताइए एग्रीकल्चर से कितना आया तीन लाख का प्रॉफिट की इनकम की साइड है दो लाख यहां पर है तो ये आ गया वन लाख का प्रॉफिट और यहां पर कितना आया टेन और एट टू लाख का प्रॉफिट तो हमारे पीएनएल बिजनेस ने दिया दो लाख का प्रॉफिट पीएनएल एग्रीकल्चर ने दिया हमें वन लाख का प्रॉफिट देख लीजिए तीन लाख हमारा सेग्रीगेट हो गया ठीक है सबको समझ में आ गया तीन लाख को इस तरीके से आप सेग्रीगेट कर लेंगे आप चाहते हैं तो इसको यहां पर वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं इसको कॉपी भी कर सकते हैं ठीक है डन कर लिया पॉज चेंज करूं अब मैं यहां पर अब हम हमारा पूरा पीजीबी का चार्ट रिविजन खत्म होता है एंड आई बिलीव आपके काफी सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे हो गए होंगे और साथ साथ में आपका रिविजन भी बहुत अच्छे से हो गया होगा ठीक है मैं चाहूंगा कि आप अपने एग्जाम से पहले एक दो बार इसको और कर लीजिएगा चाहे आप स्पीड एडजस्ट करके देख करिए बट एक दो बार आप करेंगे आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा साथ में आपको क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके देखने चाहिए ठीक है देखो मैं हमेशा कहता हूं स्टूडेंट से कंसेप्ट आना इज वन पार्ट बट सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इस कितनी प्रैक्टिस करते हैं ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच बाय एंड टेक केयर